लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। क्या रे, चारों मिलके क्या खजाना लाया? क्या दिखता नहीं है? क्या अलमारी है, कल तुम्हारे साहब ने ऑर्डर दिया था वही देने आए। लेकिन अपना साहब तो आज ही छुट्टी पे गए है। चल अभी लाया तो अंदर लेके आ। चले आजा। चल चल इधर रख दे। सितारा बेघर अनाथ गरीबी और अकेलेपन की जिंदगी से तंग आकर इन दोनों ने एक जोड़ी बनाई।
और एक मुंह बोली मां के उन शब्दों को पल्ले बांध लिया कि एक और एक मिल जाएं तो 11 की शक्ति रखते हैं। बस फिर क्या था, चल पड़े चोरी और ठगी के रास्ते पर, यह समझकर कि अब वो इस दुनिया को जीतकर अपनी एक खूबसूरत दुनिया बनाएंगे। पर उन्हें क्या मालूम था कि इस दुनिया में एक से बढ़कर एक चोर हैं, ठग हैं, जो सिर्फ समाज के ही नहीं देश और इंसानियत के दुश्मन भी हैं। बस एक ऐसा ही हादसा तारा और सितारा की जिंदगी का सबसे बड़ा ड्रामा और सबक बन गया जब वो मिले खतरनाक मुजरिम कोबरा और पैंथर से। गन्स को बेस तक लेके जाने के लिए हमारे जवान रेडी है। जल्दी से गन को लोड करो, हमें निकलना है। बट सर, मिस्टर सुब्रमण्यम के साथ आपकी 12 बजे की अपॉइंटमेंट है। प्लान्स हैव चेंज्ड, सिक्योरिटी रीजंस। एक्सक्यूज मी सर। डॉक्टर वेणुगोपाल। कैप्टन महेश। नाइस मीटिंग यू कैप्टन। सर, आप जानते हैं कि आपके अलावा किसी और को अंदर जाने की परमिशन नहीं है। ये हमारे डिपार्टमेंट के ऑब्जर्वर हैं। गन्स को यहां से बेस तक ले जाने की और रिपोर्ट करने की जिम्मेदारी इनके हाथों में है। एक्सक्यूज बट सर, ऑर्डर्स ऑर्डर्स सर। मेजर, कैप्टन अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, ऑर्डर्स आर ऑर्डर्स। आप लोग चलिए, मैं यहां पर तो वेट कर सकता हूं। थैंक यू सर। राइट, प्लीज कैरी ऑन। सॉरी। क्या बात है? डॉक्टर सुब्रमण्यम का कैबिन ये है सर। मैं डॉक्टर सुब्रमण्यम से अकेले मिलना चाहूंगा, तुम बाहर इंतजार करोगे, ओके? गुड मॉर्निंग राम सिंह सर। कम बिफोर टाइम? यस, सिक्योरिटी रीजंस। यस, इस गन की प्रॉपर सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। बरसों मेहनत करके हमने ये गन बनाई है। आइए मैं आपको इसका डेमोंस्ट्रेशन दिखाता हूं। इसमें इनबिल्ट सेंसर है जो 10 किलोमीटर के अंदर अंदर किसी भी मूवमेंट को कैश कर लेता है। अब हमारे जवानों को घुसपैठियों से निपटने के लिए बहुत फायदा होगा। यह गन किसी गलत हाथों में पड़ जाए और इसका गलत इस्तेमाल ना हो, इसलिए हर एक गन को अलग अलग कोड नंबर दिया गया है। बिना कोड नंबर डाले ये गन काम नहीं करती। इस गन को ऑपरेट करने का कोड क्या है? MA2385371। थैंक यू। कैन आई टेक द गन नाउ? श्योर श्योर, पहले इस पेपर पर साइन तो कर लो। राम सिंह, तुमने अपने साइन तो कर लिए लेकिन इस ऑपरेशन का पासवर्ड नहीं डाला। पासवर्ड? तुम अच्छी तरीके से जानते हो राम सिंह कि बिना पासवर्ड के तुम ये गन नहीं ले जा सकते। ये गन तो मैं लेकर ही जाऊंगा।
सर आप यहाँ? और नहीं तो कहाँ, बेस यही है ना। थोड़ी देर पहले तो आप अंदर थे और आने जाने का रास्ता भी यही है। मैं अभी अभी तुम्हारे सामने आया हूँ। सर तब भी आप मेरे सामने ही आए थे और आपके साथ में कोई डिपार्टमेंट का ऑफिसर भी था। भाई तो गन लेकर चला गया, अब चाहे जो मर्जी कर ले। सिर्फ गन ही लेकर निकला है ना, कोड लेकर तो नहीं निकला। और बिना कोड के वो गन किसी काम की नहीं, और वैसे भी गन तो मिल ही जाएगी, तू है ना। अब तू कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं पैंथर। नमस्कार सेठ जी। नमस्कार, आओ आओ बहादुर सिंह, आज हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गए? भूल से नहीं सेठ जी, जानबूझ कर आया हूँ। सेठ जी मैं आपको सचेत करने आया हूँ। सेठ जी सचेत करने आया? आजकल दो चोरों ने आतंक मचाया हुआ है। आतंक? चोरी के ऐसे नए नए चक्कर चलाते हैं कि पुलिस भी चक्कर घिनी बन जाती है। क्या बात करते हो? अभी कुछ दिन पहले एक अलमारी में घुस के पूरे घर को लूट लिया। पूरे घर को? कभी कभी किरायेदार बनकर जाते हैं और फिर मालिक बनकर मकान को बेच डालते हैं। मकान को बेच डालते हैं? और सुनिए, कभी कभी नौकर बनकर जाते हैं। सेठ जी दूध ते लस्सी। ये दोनों आपके यहाँ? अरे भाई, इन दोनों ने एक महीने से मेरी जो सेवा की है मेरी औलाद ने आज तक नहीं की। अरे सेठ जी, ये अभी आपकी सेवा कर रहे हैं और बाद में मेवा खा के उड़ जाएंगे। क्या मतलब? अरे सेठ जी, ये आपको बेवकूफ बना रहे हैं। यही तो है वो दोनों जिनका जिक्र मैं आपसे कर रहा था। अच्छा, एक है तारा और दूसरा है सितारा, मुझे मालूम है। माय बाप, मैं क्या, आपने तो हमारी सारी किए कराए मेहनत के ऊपर पानी फेर दिया। मुजरिम जितना भी सुधरना चाहे, लेकिन आप जैसे लोग उसे सुधरने नहीं देंगे। नहीं, मैं क्या भूल गए? अरे नहीं, आंख में लग जाएगा। भूल गए, जेल में हमने आपके सर पे हाथ रखकर कसम खाई थी कि हम लोग मेहनत मजदूरी करेंगे, कोई भी आंटी प्लांटी शांटी चांटी टाइप का काम नहीं करेंगे। वैसे ही करने जा रहे थे,
लेकिन आपने सेठ जी को बता दिया, हमारे पेट पे लात मार दी। तू कितने जा रहे यार? मैं टर्न कितना सी ना तो पीछे लात लग गई। ओ आई सी। और कमर थे। आई सी। मैं क्या सेठ जी? हाँ। आज मैं आपकी शान में ना कुछ अर्ज करने जा रहा हूँ। करो जी। अगर ये कानून के नुमाइंदे इसी तरह अपना पुराना राग अलापते रहेंगे ते हम जैसे गरीब लोग तो बार बार जेल का रास्ता नापते रहेंगे। नहीं नहीं, मैं तुम दोनों को चोर नहीं बनने दूंगा सेठ जी। तुम दोनों यही मेरे पास रहोगे। सेठ जी, जी मैं तो चलता हूँ, लेकिन आप जरा इनसे अलर्ट रहिएगा। नाटक अलर्ट रहिएगा। आग लगा गया? नहीं नहीं, नहीं लगी, नहीं लगी। अच्छा, थैंक यू जी। अच्छा एक बात बताओ। हाँ जी। अब तो तुम दोनों सुधर गए हो। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी। लेकिन जब चोर थे, हाँ जी, हाँ जी, तो किस तरह से चोरी करते थे? हाँ जी। एक आध वाक्या मेरे को सुनाओ। हाँ जी। तो मैं चोरों से अलर्ट रहूँ ना। हम जैसे पाजी, पहले ना हम एक मोहल्ला ढूंढते हैं, फिर उसके बाद पाजी उस मोहल्ले की सबसे इनोसेंट फैमिली होती ना, जिनके पास पैसे भी हो, वहाँ घुस जाते। उसके बाद हम नौकर बनके उसकी खूब सेवा करते हैं, जिस तरह से मेरी सेवा करते हो। एग्जैक्टली। और पाजी उसके बाद जब टोटल कॉन्फिडेंस आ जाए ना उनको, तो उनके दूध चाय लस्सी के अंदर ना थोड़ी नींद वींद की गोली मिला के ना बस काम हो जाता उतने में। कैसे कैसे बेवकूफ लोग है कि लस्सी में नींद की गोली मिली है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और उनको पता नहीं चलता है कि उनके इनको पता चला बेवकूफ। सेठ जी सब ले गए, बर्बाद कर गए। और इन्हें देखिए, चोरों को सुधारने चले थे और चोरों ने इन्हें खुद सुला दिया। मैंने कहा था मैंने कि सतर्क रहना। अब सोते रहो। तारा सितारा तुम्हारी तो उधर चल। मैं क्या पाजी, बहुत मजा आया। धर्म पाजी की पिक्चर देखते हैं। मैं जट्टी अमला। तारा सितारा, अब खेल खत्म तुम्हारा। भागने की कोशिश मत करना वरना बजा दूंगा बारह। ओए पाजी, ये तो शायरी में बोल रहा है, लगता है इसको मरना है। हाँ। ओए बहादुर सिंह जी, गल दसो, जद वेखो तब नहा दो के हम दो मासूमों के पीछे क्यों पड़ जाते हो, जस्ट बिकॉज वी आर फेमस। अरे तुम्हारे चक्कर में एक हफ्ते से ना मुंह धोया है ना हाथ, लेकिन अब तुम्हें धोऊंगा, पटक पटक के धोऊंगा। हाँ ठीक है, मैं वहां पर पहुंचते बाकी सारी बातें कर लूंगा। डॉक्टर साहब, ज्यादा मखौल ना करो, खामखा एक इनोसेंट आदमी मर जाएगा। इधर ये सुन, ये कोबरा है ना? यस सर। अबे सालों, तुम्हें पता है कि तुमने किसके सर को हाथ लगाया है? भाई चुप करा, ज्यादा बोलेगा ना तो आंखों की गोटी निकाल के खेलूंगा। ऐसे बोल रहा है जैसे लाखों रुपए का इनाम है तुझ पे। सही फरमा रहा है। चुप यार, तू जानता नहीं है चोर पुलिस के बेचे की डील हो रही है। वेरी गुड। मार डालो इसे। ये कोबरा है, कोबरा मशहूर बदमाश। इसको जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 1,00,000 रुपए का इनाम है। मरवाता नहीं यार। यार तुमको कुछ बोर्ड शोर्ड लगा के घूमना चाहिए कि तुम कोबरा हो। हमको कैसे पता लगेगा कि तुम कोबरा हो? पाजी, इनके ऊपर 1,00,000 रुपए इनाम है, उसमें कुछ तो मिलेगा। हाँ, क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा। अगर 1,00,000 रुपए लेने के लिए मैं तुम्हें जिंदा छोड़ूं तब। पाँव ठंडे हो गए इसलिए मैं हाथ जोड़ना चाहता हूँ पाजी। इज अ वेरी रूड मैन पाजी। बोल भाई सितारे। यार कोर्ट में हाजिरी तो कोबरा साहब दी है, ऐसी क्यों जा रहे हैं यार? वड्डे पाजी, एक नया स्टाइल निकला है, किले को लकड़ी में ठोक दो तो लकड़े के साथ लोहा तैर जाता है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कोबरा साहब है, ये इंजन है, और इनके पीछे हम दो डब्बे लगा दिए जबरदस्ती ताकि ये दौड़े तो हम इनके साथ दौड़े, फॉर नो रीजन।
जी। यार तेरे हिसाब से कोबरा साहब को कितने साल की लगेगी, कुड यू एक्सप्लेन प्लीज। पाजी मेरे ख्याल तो इसकी सूरत ते शक्ल ते इसके हाव भाव ते ताव वेख के मेरे को लगता है पाजी ये क्या है इसका। और तू ही बता दे तेरे को कितने साल की लगेगी वे। पाजी पता नहीं क्यों घूर रहा है। हाँ घूर रहा है। कोबरा पाजी मैनू भी दिखाई यार। देखा ओए यार बहुत घूर रहा है यार। पाजी हैं जी मेरे को तो लगता है कि इसके खामोशी के पीछे बहुत ही भयंकर तूफान छुपा हुआ है। कम ऑन जल्दी गाड़ी कभी भी आ सकती है। पापे और पापे नाराज मत हो ना, हंसो ना, हम लोग बच्चे हैं यार। नहीं गुली अब तुम लोग भी आजाद हो। नहीं चलो। अरे पाजी बच गए। वो क्या मौसम है। और पिया तू अब तो आजा। चुप कर। बहुत हो गया गाना। अब चलो। कोबरा जी गाना तो गाने दो यार। अरे बाद में गा लेना गाना। चलो। कोबरा सर नीचे गाड़ी खड़ी है, वो आपको 4 नंबर हाईवे पे ले जाएगी। वहां से माइक आपको हेलीकॉप्टर। अनजान लोगों के सामने हम लोग नाम नहीं बताते। साला प्लान बता रहा था। कोबरा भाजी इसको क्या हुआ, ये क्यों डिग पाया। इसको मेरी गोली लग गई। कमाल है, गोली की आवाज भी सुनाई नहीं दी। हाँ ये कब की बात है। कल तो नहीं मारा था। नहीं आज ही मारा। एक बार और आवाज सुनाओ। एक मिनट हिलना नहीं, गोली मार दूंगा इसको मैं। गन फेंक गोली मार दूंगा इसको मैं। ए फेंक तेरी। ये है हां तेरे को कभी से पाजी बोल रहे हैं। हां तू एक नंबर का पाजी निकला। हां लगा के क्या रखा है। नहीं लगा के क्या रखा पाजी, क्या करूं। ओ तेरा पाजी तू ही गल करोगे या पेड़िया भी खोलोगे यार। और बेड़िया दा किए हाथ ही कर लो। तेरा पाजी मैं क्या। हां जी ए चिल्ला कौन रहा है। बेड़िया नहीं, बेड़िया नहीं है, पांव चिल्ला रहा है पाजी। पैर। What do you mean? I mean पाजी गोली जो है ना बेड़ियों की जगह पर है ना गलती से पांव पे लग गई। कोबरा जी के पैर से उतरे। ओए कोबरा जी सानू माफ कर दो। क्यों पाजी को हिमाकत नहीं हुई नहीं नहीं। यार 4 इंच उतरे लग दी पैर। उतरे तो कोई बचा ही नहीं आज तक। नहीं मैं बेड़िया खोल रहा यार। ओए पाजी ओ तू उससे अपने प्राण पे गोली चला रहे हो। ओए तेरे ऊपर नहीं है, मैं बेड़िया तोड़ती है यार। तोड़ की करे अभी। बचो। ओ पाजी किधर गए। ओ पाजी रुक जाओ यार, अकेले छोड़ के कहां भाग रहे हो। उठिए सर उठिए, पुलिस। सर मुबारक हो, कोबरा पकड़ा गया। अरे यार ये तो पकड़ा गया ठीक है, लेकिन वो तारा और सितारा कहाँ चले गए मेरी नौकरी खतरे में डालकर। और तू इतना बड़ा क्रिमिनल बनता है, उन 2 छोकरों को 2 मिनट भी नहीं रोक सका। अब चल उठ। अरे यार ये कैसे उठेगा, इसके पैर में गोली लगी है। इसे डालो कंधों पर और ले जाओ अस्पताल। एक घने जंगल में दोनों को कहाँ ढूंढूंगा यार। तारा सितारा। वाह बहुत माल इकट्ठा किया है। ए बुढ़िया ये तारा और सितारा कहाँ है। तुसी अखबार नहीं पढ़ते हो, टीवी नहीं देखते हो, शहर में कहीं कोई चोरी हुई है ना।
किसी ने किसी को लूटा है? ना। शहर में कितना अमन और सुकून है। ओदा मतलब की है? की है मतलब? की है, की है। ओदा मतलब ये है कि मेरे दोनों पुत्र अपने ससुराल में हैं, तिहाड़ जेल में। तिहाड़ जेल? अरे जेल से भागकर तेरे तारा और सितारा ने मेरे सितारे गर्दिश में कर दिए। क्या कहा? मेरे तारा सितारा भाग गए? अरे कमबख्तों, जब तुम मेरे लाडलों की हिफाजत नहीं कर सकते तो क्यों उन्हें छह छह महीने का मेहमान बना कर ले जाते हो? अरे हम उन्हें नौकरी दिलवाने थोड़ी ले गए थे, चोरी के केस में लेके गए थे। हाय रब जी, मैंने अपने सीने पे पत्थर रख कर अपने जिगर के टुकड़ों को तुम्हारे हवाले किया है। ए, 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 और तुमने उन्हें पका दिया है? अरे हम कोई पागल है? उधर अरे हम कोई पागल है जो कैदियों को जेल से भगाएंगे? अरे वो खुद जेल तोड़ के भागे हैं। अरे तेरी देखभाल में जरूर कोई कमी रह गई होगी, वरना मेरे पुत्र भागते ना। मेरे जीने का यही तो सहारा है। हाँ। एक तारा तुझा सितारा। हाँ। कान खोल के सुन ले खुतिया। हाँ। अगर तूने मेरे लाडलों को सही सलामत वापस नहीं किया ना। हाँ। तो तुझे मेरी हाय लगेगी। अरे मुजरिम की गोली से मरेगा तू। फिर भी बच गया ना तो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेगा तू। बस बस मेरी माँ, बस कर। जैसे ही तेरे दो अनमोल रतन मुझे मिलेंगे ना, मैं खुद यहाँ उन्हें छोड़ जाऊंगा। अरे बाप रे, ये औरत है कि औरंगजेब? माय गॉड, तारा सितारा गया वो। साड़ी प्यारी, दुनिया तो सबसे निराली माँ, तूने कमाल करता। आई स्वेयर। बस बस, अब तुम दोनों बकत की नजाकत को समझो और जितनी जल्दी हो सके बॉर्डर पार निकल जाओ। मैंने फोन जरूर करी हाँ, और जब तक मैं ना बुलाऊ आना मत हाँ। और ये लो पैसे रख लो, मैंने तुम दोनों के बुरे वक्त के लिए जोड़ के रखे। तू कितनी चंगी है, तू कितनी पोली है, प्यारी प्यारी है। हो माँ साड़ी माँ, ओ माँ। माँ, तूने हम लोग के लिए बहुत किया है। सच्ची बताऊं, जे हमारी सगी माँ भी होती ना। क्या कहा? क्या मैंने कभी तुम्हें सगी माँ से कम प्यार किया है? अगर तुम्हारी सगी माँ होती ना तो महान बनने के चक्कर में तुम दोनों को पुलिस के हवाले करवा देती है? मेरी तरह तुम्हें बचाती ना फिरती, और तुम दोनों हमेशा ऐसी बातें करके मेरा दिल दुखाते रहते। ना माँ ना, तू मिसअंडरस्टैंड ना करी। सड़े बोलने का मतलब है, अगर तू नहीं होती तो असी दोनों जिंदा भी नहीं रहते। हम हमको पता है के पैदा करने वाले से पालने वाला बहुत पड़ा होता है, और तूने तो हमको पाला है, सो प्लीज प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड अस हियर। अच्छा अच्छा ठीक है, अब तुम दोनों ऐसा करो जल्दी से भाग जाओ। पहले तो तुम्हारे पीछे सिर्फ सपेरे लगे थे, अब वो सांप कोबरा लग गया है जो तुम दोनों की टांगे तुड़वाना चाहता है। अरे वो क्या टंगा तोड़ेगा, और उसकी तो टांगों पे हमने खुद गोली मारी है। और नहीं तो क्या, हाँ इससे पहले कि वो कुछ ऊंचा गेम खेले, हम लोग एक नया गेम खेल जाते हैं। दो से डेढ़ बन जाते हैं। जिंदा रे। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, मैं क्या हम क्यों करें। ओए होल्ड यार होल्ड। ब्यूटीफुल कुड़ी तक क्लीन बोल्ड पाजी। मैं क्या तरह पाजी? हाँ जी, तुसी ये पकड़ो। हाँ जी, मैं ट्रेन का पता करके आ रहा हूँ। हाँ पाजी, बट टेक केयर। ओके ओके, तुम ही कह दो पाजी। जा मैं क्या, तुसी इत्थे ही बैठो। हम क्या, I know, क्या करे मैं क्या, हम क्या करे। और महाराज की हो रहा है? हाँ कोई सर्कस वर्कस आया है, कोई जादूगर वादूगर आया है कि फिर कोई फ्लॉप पिक्चर लग रही है? इस वक्त दो चोर अपना कर्तव्य दिखा रहे हैं। अच्छा, अरे बदमाशों ने सारे शहर की पुलिस और शहरियों की नींद हराम कर दी है। अच्छा देखोगे? अच्छा दिखाई दे, चल फिर। इनाम है इनके ऊपर, मिल जाए तो आप खाइएगा, थोड़ा हमको भी खिलाइएगा। हम क्या वड्डे पाजी? भैया जल्दी देना, जल्दी। आउच, देखा है पहली बार सड़ी तो बैंड बज गई यार। करार।
मैं क्या यार, मैं मैं क्या सर, ए तोड़ी कुड़ी है? नहीं नहीं नहीं, मेरी कुड़ी नहीं है, लेकिन तू मेरा दामाद जरूर है। सानू आशीर्वाद दो। जी तो खुश रहो। मेरा एक और दामाद है, नजर नहीं आ रहा किधर है वो? मैं नहीं बताऊंगा। मत बता, मुझे सब है पता। तुम दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। तुम दोनों में से अगर एक को पकड़ा जाए ना, तो दूसरा खुद आके अरेस्ट हो जाता है ना? चलो जी, आओ जी आओ। अच्छी टोपी है, किसको फिराई? चल इधर इधर। आओ जी आओ। इतना बड़ा रिस्क लेके मैंनू बचा लिया है। मैं कहता हूँ सितारा पाजी, रिस्क नहीं वड्डा है, ओए हमारा रिश्ता वड्डा है। ओए सारी दुनिया जानती है कि तारा सितारा दो जिस्म से एक जान। तारा पाजी, हाँ जी, अगर तुहानू कुछ हो जाता तो? भाई की होना, मैंनू कुछ नहीं होना है। और तुसी बताओ कि अगर आपकी जगह मैं होता तो आप क्या करते? तारा पाजी, जीप तो क्या, मैं तुहाडे लई ट्रेन पजा के ले जाता। बाजी गई ना घंटी। हाँ जी सितारा पाजी। हाँ जी, आज ना मैं आपको अपने दिल की बताना चाहता हूँ गल। दसो सितारा पाजी। हाँ जी, आई रिस्पेक्ट यू लॉट यार। ओए गड्डी चला यार। नहीं गड्डी छोड़ो, मेरा इमोशन देखो। ओए गड्डी चला। नहीं मैं तेरा आई लव यू यार ब्रदर। आई डोंट रिस्पेक्ट यू। गड्डी चला, आई कांट होल्ड यार। अपना याराना बना, यारी का अफसाना बना, एक दिलकश नजराना बना, हर मौसम मस्ताना बना। ये तो जाने, हाँ जाने, ये तो जाने, ये जाने जग सारा। मेरे यारा, बेकारे यारा, मेरे यारा, एक और एक, एक और एक, एक और एक, इस इलाके में अगर किसी को छुप कर आते जाते देखा तो सीधे गोली मार देना। यस सर। मैं क्या पाजी? हाँ जी। ओ गड्डीज कौन है, कुड यू एक्सप्लेन प्लीज? पाजी आई थिंक सर स्ट्रांग फीलिंग आई डोंट नो। ओके। मेजर राम सिंह। पाजी आ गया। इस बंदे को राजू नेपाली कहते हैं। हाँ जी हाँ जी, सत श्री अकाल। ये इलाका पार तुम्हें सिर्फ दो ही आदमी करा सकते हैं। हाँ जी। एक मेजर राम सिंह, हाँ जी, कराएगा नहीं। हाँ जी हाँ जी। और दूसरा मैं खुद। हाँ जी। और मैं ये काम सिर्फ पैसे लेके करता हूँ। नई बात बोल रहा है। कितने पैसे लोगे महाराज? दो के 2 लाख। बाजी हम लोग इलाके की प्राइस नहीं पूछ रहे, इलाका क्रॉस करने की प्राइस पूछ रहे हैं। ये इलाका क्रॉस करने की ही प्राइस है। अच्छा? जब पैसों का बंदोबस्त हो जाए तो आ जाना, राजू नेपाली तुम्हें यहीं मिलेगा। अच्छा जी बाय। जवाब ही नहीं दे रहा, बड़ा रुखा आदमी है। बाजी है जी, इस इलाके में 2 लाख रुपए का बंदोबस्त कहाँ से होगा? यहाँ तो कोई अपना भी नहीं है। पाजी है जी, मैं क्या बैंक आ गया? पाजी पाजी पूरा करे साडा सपना, क्योंकि ये बैंक अपना। पाजी की लगता है 2 लाख का चक्कर चल जाएगा? लेट अस गो इनसाइड एंड चेक द कैपेसिटी। नमस्ते जी। नमस्ते। हाँ जी नमस्ते। अकाउंट खुलवाना है आपको? नहीं जी, लूटना है। लूटना है? बेवकूफ, दो इतने बड़े बिजनेसमैन अकाउंट नहीं खोलेंगे तो और की खोलेंगे? पैसे बहुत है ना। अच्छा अच्छा। पाजी इफ यू वांट टू ओपन अवर अकाउंट विद 1 करोड़ रुपीज। एक 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 पाजी, भाई साहब एक पे ऐसे अटक गए जैसे 1 करोड़ रुपए इन्होंने टुगेदर कभी नहीं देखी। देखा, नहीं देखा। नहीं नहीं, हमारी बैंक में मुश्किल से 20 लाख रुपया होता है। ये तो बहुत ही छोटा बैंक है। सुनिए सुनिए, नहीं समझ गए, गलती हो गई। वही गया 1 करोड़ रुपया गया। पूरी आज बैंक में कमाल हो गया। दो कस्टमर आए, उनको है ना अकाउंट खोलना था, एक 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 करोड़ रुपए से। मैं गधा ये बोल गया कि 20 लाख से ज्यादा हमारे बैंक में होते ही नहीं है। दोनों निकल गए। मैनेजर साहब, इतनी रात गए कौन आया होगा? ऊपर वाले के नाम पे दे दे। अरे ये कोई वक्त है भीख मांगने का? चलो बाहर निकलो, बाहर निकलो। हम लोग भिखारी नहीं है, तुझे भिखारी बनाने आए हैं। आहो, है जी? आहो।
मगर आप लोग है कौन? इधर भी देख लो, इधर 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 देख, पहचाना नहीं है? बड़े बाबा है, मैं छोटा बाबा, छे छे गोली वाले बाबा। तुम इससे रहने से आशीर्वाद मिलेगा। हाँ मामा, पहचान गया। देखा है पहली बार, जानम की आंखों में प्यार। छोटे बाबा। जी बाबा। वो सुंदर कुड़ी यार। ओए किथे आए? उठे आओ कुड़िये। जी बाबा। ओए तुम्हारा ओए। ये कैसी बदतमीजी है? डैड, फौरन पुलिस को फोन कीजिए। फोन तो आपका हमने पहले ही डैड कर दिया है जी। बोलो तो डैड को भी डैड कर दे यार। नहीं डैडी की इधर आ जाओ। नहीं गल करने दो उनको। तुसी सैड ना हो, असी तो तुहानू देख के पहले ही मैड हो चुके हैं जी। ओए देखा, ओए आपकी कुड़ी ने हमारे बाबा का दिल लूट लिया, अब हम भी लूटेंगे आपकी बैंक। हाँ रात को यहीं सो जाएंगे और सवेरे पूजा के बाद आप हमें खुद बैंक ले जाएंगे, खुद अपने हाथों से बैंक लुटवाएंगे, फिर बाहर भी छोड़ के आएंगे। और दुबाद पुलिस क्वेश्चन आंसर जी न्यूज, आज तक बहुत नाम हो जाएगा। आप खाती रहे? वो खाती नहीं यार, वो खा खा खा। अरे बाबा जी, अरे बाबा जी, खीर ते आलू ते गोभी ते पराठे, खुश रहे, वक्त हमारा चैन से खाएंगे। मैं क्या? ओए मैंने बनाई, आप लेंगे? फड़ा फड़ा ला फड़ा। मैं क्या बाबा जी, तू खाओगे? मैं तो खा रहा हूँ यार, तू खा ले। अच्छा वो नॉन फैटनिंग है, ये फैटनिंग है? तुसी पतले थे, मैं मोटा। अच्छा मैं क्या, तू खड़े होके थे की कर? हाँ। बैग लिया यार, बैंक लूटना है बैंक यार, समझे कर। रो रहा है क्या, हंस रहा है, की कर रहा है यार? जल्दी करो ये पुत्र, जल्दी करो, पता है ना कौन है? सच्चे गोली वाले बाबा। जल्दी कर नहीं तो आशीर्वाद मिलेगा, समझ गया? चलो यार, कैसे रो रहा है यार? एक गल सुन, एक गल सुनो, एक गल सुन, तू ऐसी पैड़ी शक्ल बना के क्यों रो रहा है? ले फिर रो रहा है, चलो हो गया। तुसी मेरे नाल भाग चलो प्लीज, बहुत रुपया है, बहुत सुखी रखूंगा, आई प्रॉमिस। घबरा मत बाबा, एक तो मेरे बैंक का सारा माल लूट लिया, ऊपर से मेरी बेटी को भी भगा ले जाना चाहते हो? चलो जल्दी आओ, चलो पुलिस आएगी। चलो भाई, भाई क्या, ओए बैंक लूटा है, हम लोग डाकू हैं इसलिए। चलो ओ नहीं, चल ओ मेरे बड़े भाई, ले गया सारा माल, ले गया। पाजी, हाँ जी, कितना बुरा टाइम आ गया है। हाँ जी, पहले हम पैसे लेके दौड़ते थे। हाँ। अब हम पैसे दे के दौड़ रहे हैं। पाजी आपको नहीं लगता कि इस बंदे को पैसे देने के बजाय अगर हम लोग राम सिंह से कोई मॉडल नहीं करते तो क्या लगता है क्या होता है? गोली मार देता। ओ पाजी गोली, ओ गोली, ओ पाजी, ओ गोली। ओ पाजी मुझे राम सिंह की याद आ रही है। ओ पाजी वेयर लकी, भाग लो। ओ पाजी लो। ये है राम सिंह का घर। तारा और सितारा को पुलिस और कोबरा से बचने के लिए इससे अच्छा ठिकाना और कहां मिलता? वैसे तो हर घर में घुसना तारा और सितारा के लिए बहुत आसान बात थी। चलिए देखते हैं राम सिंह के घर में घुसने के लिए अब ये कौन सा नया गुड़ खिलाते हैं। 100 का नोट, हे भगवान, हाथ की खुजली ही मिटानी थी तो 500 का नोट दे देता। नोट आज किसका मुंह देख के उठाता सवेरे सवेरे। हे भगवान, अगर इतने मेहरबान हो तो नोटों से खचाखच भरा पर्स दे दो, मजा ही आ जाए। नोटों से भरा पर्स, मैं पागल हो गया। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात। कुत्ते, आज तेरी खुजली हम मिटाएंगे। यार सड़क के ऊपर हमारा पार्स वर्ष क्या पड़ा हुआ था, तूने चोरी चोरी कर ली? नहीं नहीं नहीं, हम चोरी नहीं कर दे, अब पड़ा हुआ था। ओए पड़ा हुआ नहीं था, हमने हिफाजत से रखा हुआ था सड़क के ऊपर। पापा जी इसको पुलिस स्टेशन ले चलो। मैं कह चल पुलिस स्टेशन, चलो चल। साहब नहीं साहब, हमको पुलिस स्टेशन मत ले चलिए साहब। क्यों है? हम बहुत गरीब आदमी है, मेरी एक माँ, दो भाई, तीन बहने, तीनों की शादी करनी है। ऐसा करिए साहब, दो केस
साथ आप शादी कर लीजिए, तीसरी के लिए मैं आपसे अच्छा ढूंढ लूंगा। होते के बच्चे, तुझे हम जैसे नोबल क्लार्क केबल मिलेंगे? ओ उसकी पर्सनालिटी देख, देख उसकी पर्सनालिटी, इधर देख मेरी शक्ल देख, हैं देख रहा है, समझ रहा है? और गल सुन पाजी, तुसी छोड़ो। ओ पुत्र, असी तेरे बहना नाल शादी नहीं करेंगे, लेकिन उनकी शादी के लिए हेल्प करेंगे। किस तरह से हेल्प? ले हड़ 100 रुपया में हेल्प। और नहीं तू ज्यादा ले ले, तेरा कोटा बड़ा लग रहा है। और सुन जी, ओए बंदे गिन मत। और सुन बताई कि इसके बदले में तुझे हमारी कुछ हेल्प करनी पड़ेगी। कैसी मदद? ओ बड़े पाजी ने पूछ, छोटे नु पूछ, ओ सितारा जी ने पूछो है, तारे नु पूछ, ओ सितारा जी ने पूछा है, ओ तारे नु पूछ यार। भाई काहे परेशान कर रहे हैं? ओए तू पूछ रहे है कि डांट रहे है? नहीं बता दीजिए ना। मां जी, मां जी, ये देखिए आपका मंगलसूत्र, ये देखिए। अरे ये तेरे पास कैसे आया? चोर चुरा कर भाग रहा था। हे भगवान, एक ही तो उनकी आखिरी निशानी है जिसे मैं रोज देखती हूँ। अच्छा बता छोटू, तूने चोर को पकड़ लिया? हमने नहीं पकड़ा, ये दो शरीफ लोग तारा जी और सितारा जी, इन्होंने चोर को पकड़ा है। जुल्म सितारों का आंगन होगा। भाई सितारा, वही आंगन थे, वही नजारा, कोई जरा भी नहीं बदला। कार हमारा, वही कार, वही खिड़कियां, वही दरवाजे और पर्दे भी हैं जी। आप पहले भी इस घर में आ चुके हैं? आ चुके, असि तो पैदा ही इत्थे हुए सी। है जी, है जी। साडा मुंडन ते नामकरण इत्थे हुआ सी। ओ जी, मैं तारा ते मैं सितारा। उस वक्त साडे प्यो दे सितारे गर्दिश सी। हां जी, हां जी, इसलिए उनको ये मकान बेचना पड़ा। और उसके बाद से आज तलक हम दोनों भ्राओं को अपनी माँ ते प्यो की बड़ी याद आती है। ना ना बेटा, सबर से काम लो। माँ भी ऐसी करती थी। होल्ड करी यार, होल्ड। बाजी, ओए, हाँ जी, ना तारे, ना। की बताऊं माँ जी, ओ याद आ गई जी, बड़ी याद आ गई। तुसी ग्रेट हो माता जी। बाजी बच्चा, ओ ये बच्चा है? ये बच्चा नहीं है, ये बड़ा बच्चा है। ओ माय गॉड, भाई तारे, तेनु याद है बचपन में मैं इसी तरह चॉकलेट लेके आया करता था? और मैं छीन लेंदा सी। और मैं तेरे से छीन लेंदा सी। पाजी, हाँ जी, आपको पता है मुझे भी ऐसे छीन के खाने में बहुत मजा आता है। अच्छा, ओ तू तो बहुत बड़ा आदमी बनेगा भाई। जिंदे रे पुत्र। हां पाजी, भाभी, मां, मां पाजी मिल गया। की है पाजी? मिल गया पाजी, मिल गया, मिल गया पाजी, मिल गया। अरे पाजी मिल गया। क्या मिल गया? कोई कुछ नहीं, कुछ नहीं, पाजी नु अपना कमरा मिल गया। कोई कमरा नहीं पाजी, मेरा बेडरूम, मेरा बेडरूम मिल गया पाजी। ओए होल्ड यार पाजी, वही रंग है ते वही टांग है। ओए होश में आ यार। ओए होश में तो हो पाजी, ओए होश में तो बोल रहा हूँ पाजी। ओए आज इस घर को देख के मैं बड़ा इमोशनल हो गया पाजी, मैं पागल हो गया पाजी, मैं पागल हो गया। हाँ जी, अगर तुझे इस घर से इतना लगाव है तो सामने वाले होटल में रह के वहां बैठ के देखते रहना इस घर को यार। होटल में रहना पड़ेगा? हाँ जी। आज, अरे तो बेटे कुछ दिन यहीं रह जाओ ना। हा? ये भी तो तुम्हारा ही घर है। माताई। ओए तारे, ना ना। नहीं मैं उठ नहीं सकता ना, तो मैं पांव छुरिया सी। अच्छा सितारे, बोल भाई तारे। यार कुछ याद आया? उनकी यार, ओ यार इनकी शक्ल तो पर्सनालिटी और जवानी में जैसे साडे डैडी लगदे सी। हाँ यार, नहीं वही मुछे, वही लंबा कद, वही रुबाबदार चेहरा, कोई फर्क ही नहीं है यार। कौन है ये लोग? ये मकान पहले इन्हीं का था, कुछ दिनों के लिए आए हैं तो हमने कहा यहीं रह जाओ। मैं किसी भी अजनबी को अपने घर में रहने की इजाजत नहीं देता। चलो, गए, हाय। चले, व्हाट डू यू फील? नो आई फील पाजी, जब ये गाड़ी साड़ा नहीं है तो यहाँ के लोग साड़े कैसे हो सकते हैं? अच्छा। तुम लोग कहीं नहीं जाओगे, है? यहीं रहोगे। बेटा तुम्हें नहीं पता,
तुम लोगों ने मेरा कितना बड़ा काम किया है। मैं अपने बेटे को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो मेरी बात कभी नहीं टालेगा। फौजी है ना, किसी पे जल्दी विश्वास ही नहीं करता। अरे छोटू जी, माँ जी, इन दोनों का सामान आउट हाउस में रख। जी माँ जी, लाइए सितारा जी सामान। माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। सामान दे दीजिए। उसको नहीं देखा हमने कभी। साधु वाली सभी यही कह गए हैं, इस दुनिया में प्यार बड़ा है, क्लेश मिटावो मेरे नाग नथैया, हो राधा मैया, हो कृष्ण कन्हैया, पार लगा दो मेरे सपनों की नैया, हो राधा मैया, हो कृष्ण कन्हैया, पार। अरे बेटा बहुत मीठा गाते हो, मन को बड़ी शांति मिली। माता जी मेरा तो सितारा पाजी तो ऐसे ही है, हमने ना जिंदगी में बड़े चंगे चंगे गाने गाने चाहे, लेकिन सानू कोरस चंगे नहीं मिले। बेटे वो सितारा कहाँ है? हाँ जी, वो सवेरे की पूजा मैं करता हूँ और शाम की आरती वो उतारते। बहुत अच्छी बात है, आओ मैं तुम्हें छोड़ाता हूँ। अच्छा जी, आशीर्वाद ले लो। अच्छा पेरे पेरे। राम सिंह जी मैं गड्डी चला लूंगा। तो कोई नहीं। और छोटू जी, और तो सामान शुमान चप्पल चप्पल लेकर अंदर क्यों घुस गया? तो मैंने बुलाया से। आपने? है जी, वो हम लोग आउट हाउस में ठीक थे, अंदर क्यों घुसा रहे हो घर में? ना तो घर में रह रहा है ना तो आउट हाउस में। ये जज्बाती बातें करके तू मेरी फैमिली के दिल में घुस सकता है, मेरे नहीं। अच्छा एक मिनट, वो सितारा जी बाहर मिलेंगे तो सही? ओ सितारा प्रा थोड़ा गेट पर इंतजार कर रहा है। अच्छा, उनको पहले ही घर से निकाल दिया? अच्छा अच्छा छोटू, यार ऐसे नहीं लगता है कि बड़ी इज्जत से बेइज्जती हुई है? हैं? हैं, मुझे भी लग रहा है। पाजी तू भी आ गया। पाजी मैंने बड़ा इमोशन में भजन गाया, पर राम सिंह मेरे आटे में नहीं आया, बड़ा शातिर बंदा है। मैंने तो सुना है कि आपको कपड़े भी नहीं बदलने देते। तू कपड़े दी बात कर रहा है, उन्होंने तो मुझे बाथरूम भी नहीं जाने दिया यार। ओ यार सुने, ओ मेरे बड़े पाजी के लिए डब्बा लेके आया। चुप यार, तेनू पता है जब मेरा दिमाग घूम जाता है ते मैं घुमा घुमा के बंदे नू मारदा। पाजी आज तो मेरा भी दिमाग बड़ा घुमा हुआ है, पर यार राम सिंह पे गुस्सा तो नहीं उतार सकते ना? फिर कैसे रहेगा? नहीं साहब, हम बहुत गरीब आदमी, हमारी एक माँ दो भाई तीन बहने, तीनों की शादी कर, तीनों बहनों से मैं कल्ला शादी करता हूँ। ओए लुक, तो ये दोनों फ्रीलांसिंग है। देखना गोली राम सिंह के बेटे को ना लगे, उसे जिंदा उठाना है। नदीन, नदीन, नदीन! आए, बचाओ! बस बस हो गया हो गया। ओए कबरामत कबरामत कबरामत, ओए 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 बच्चा रेस जीत गया और तुम लोग हार गए हो। चल निकल यहाँ से। निकल यहाँ से? मैं निकल? ओए पाजी। है जी पाजी, पूरा जंगल हरा भरा हो गया, जल्दी आ जाओ। ओ मैं आ रहा। ओ पाजी एथे ना गुंडे आ गए ना गुंडे। यू हैंडल देम। ओ पाजी मैं तो पैडल पे हूँ, मैं किस तरह हैंडल करूंगा समझा करो। Can't you see I'm busy यार। ओ पाजी आपका हैंडल बिजी है, मेरा पैडल बिजी है, इट इज नॉट इजी। इनके हाथ में गन निशान है, अपना हैंडल चेंज करो। That's policy sir। ओ पाजी यू कैनॉट किल अस जस्ट फॉर योर सुसु, कम ऑन। ओए चलो निकल तेरी, ओए चलो निकल। ओए पाजी मैं
ओए तू खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा, निकल यहां से। भाग। तू निकलता के मुंह क्या मारू तुझे। ओए चल भाग। हाँ डैड, डैड जल्दी क्लब हाउस के रास्ते पर आइए, कुछ लोगों ने मुझे किडनैप करने की कोशिश की है। हाँ ड्राइवर अंधीर भी मारा गया। वैसे तो कुछ कहते नहीं, लेकिन चुप भी रहते नहीं, कोई सितम कभी सहते नहीं। ये जमाना जमाना, ये जमाना जमाना हमसे हारा, मेरे यारा एक और क्या, मेरे यारा। पाजी पाजी, राम सिंह जी आ गए। You sitted your vehicle? हाँ पाजी हाँ, what a coincidence. पाजी, पाजी मैं innocent तो लग रहा हूँ ना? Sad look दें यार। ला जी। Dad, Dad. राम सिंह जी मास्टर है। तू ठीक तो है? Dad मैं ठीक हूँ। अगर आज तारा सितारा अंकल नहीं होते ना, तो उन गुंडों ने मुझे किडनैप कर लिया होता। बंटी, बंटी, मैं तुम दोनों का शुक्रिया कैसे अदा करूँ? माता जी, और बच्चों का शुक्रिया अदा नहीं किया जाता, उनके तो सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया जाता। उतने भी रख दीजिए। अच्छा, हम लोग चलते हैं। नमस्ते। तुम लोग कहीं नहीं जाओगे, जितने दिन चाहो तुम हमारे आउट हाउस में रह सकते हो। पाजी, पाजी के प्रणाम करके नमस्ते। मस्ते मस्ते जी, मस्ते है। पाजी ठंड पड़ गई। पाजी बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं, बड़ी दूर से। एक बात बताइए साहब, आप लोग तो ये बंगला खरीदने आए थे, आप तो यहीं पर डेरा जमा लिए। हम दोनों प्राव का क्या है ना, हम लोग मार्केट से जूते भी खरीदते हैं ना, तो उसको भी ठोक बजा के देख लेते हैं, पता नहीं कब चलाने के काम आ जाए। है जी, एक बात बोलूं साहब, आप जब भी बंगला खरीदिएगा नौकर हमको ही रखिएगा। साहब मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरी एक माँ दो भाई तीन बहनें हैं। और उनकी शादी भी करनी होगी। जी साहब। बंगले पे निगाह। ओए गाल सुन। जी। नाश्ते का बंदोबस्त करी यार। जी साहब। उन्हें किए यार। साहब आप भूलेंगे तो नहीं? अरे नहीं भूलेंगे यार। साहब मैं बहुत, अरे मालूम है यार, तेरी तीन माँ है, 3,000 भाई है, 3.5 लाख बहन है। नहीं एक माँ। अरे चले यार, माँ बहन कर रहा है दिमाग की। बात नहीं, बात कर रहा है, गल कर रहा है। लुदा पठा भाई तारा पोल पाई सी तरह मिल गया हमको छुपने का सहारा। है जी, है जी। पाजी मैं तो सोच रहा हूं कि जब तक कोबरा मर नहीं जाता ना, हम लोग यहीं पर बिल में छुपे रहते हैं। पाजी कुछ नजर आ रहा है? बहुत डेंजर नजर आ रहा है पाजी। वो की? ओए गाल सुन, राम सिंह ने हमें गोद नहीं लिया यार, के बुढ़ापे तक पालेगा, हम चंद दिनों के मेहमान है यार। ओए कुछ चंद दिनों के मेहमान ही है यार पाजी। ओ मैं क्या पाजी, ओए तुसी राम सिंह जी ने देखा लेकिन उसकी लक्ष्मी जैसी पहनू नहीं वेखा। पाजी किन्नी सुंदर सुंदर कुड़ी है, ते किन्ना सुंदर सुंदर परिवार है, ते मैं सोच रहा हूँ कि राम सिंह की बहन से शादी करके क्यों ना इस घर का करजवाई बन जाऊं। करजवाई बनेगा? आओ। तुझे क्या लगता है? हाँ जी। एम मटके चलाने वाला चंदन सेठ है, हाँ जी, बेटी का हाथ तेरे हाथ में दे देगा। राम सिंह है यार। राम सिंह भी तो इंसान ही है यार, और जिस तरह हम उसके घर में घुस गए, क्यों ना उसके दिल में घुस जाए। सच कहूं पिंकी? हाँ? मैं तुम्हारे भैया से बहुत खुश हूँ। हाँ? तारा और सितारा को अपने घर में रखकर उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। हाँ? अरे यार प्रीति, तारा सितारा जी ने जो काम किया है उसे उन्हें घर में तो क्या, अपने दिल में जगह देनी चाहिए। योर राइट पिंकी, ऑलवेज। सितारा तो एकदम ही मैन लगता है, कितना बहादुर है वो। प्रीति, बंटी को सिर्फ सितारा जी ने नहीं, तारा जी ने भी अपनी जान पर खेल के बचाया है, कितने बहादुर है वो। अरे मैं तो हैरान हूँ कि व्हीलचेयर पे बैठे बैठे गुंडों की पिटाई कर दी। योर राइट पिंकी, जिसका भाई सितारा जैसे हीमैन हो, What? शेर हो, वो तो व्हीलचेयर में क्या बिस्तर पर लेटे लेटे भी मार सकता है। हाँ। प्रीति तू घुमा फिरा के बार बार सारा क्रेडिट सितारा जी को क्यों दे रही है? डोंट से दिस पिंकी, मैं तो दोनों के बारे में बोल रही हूँ ना। अच्छा सुनाई, मुझे सिर्फ एक के बारे में दे रहा है, क्योंकि दूसरे के बारे में तो तू बोल रही है। अरे हाँ। अरे बाप रे, मैं तो भूल ही गई। अच्छा मैं निकलती हूँ, मुझे कॉलेज की देर हो रही है। वो क्या ना, सीनियर डॉक्टर से मिलके तारा जी के पैरों के बारे में पूछना है। लेकिन तू एक काम कर, तू यहीं बैठी रह। क्यों? क्या पता टपकती हो ए? कहीं सितारा जी यहाँ पहुंचे। बाय स्टूपिड।
तारा जी, तारा जी। ओए आज ते मारे। तारा जी, क्या कर रहे हैं आप? तारा जी। उफ़ो। वो जाहिर सी बात है, मैं टब के पानी में स्विमिंग तो नहीं कर सकता ना। हाँ। मैं है ना, अपनी खुशी से ना, खुदकुशी में कैसी फीलिंग आती है देखने की कोशिश करती थी पिंकी जी। क्या? हाँ पिंकी जी। पिंकी जी, आपके सिटी में कोई चंगी बड़ी हिलते होगी? हाँ है, पर क्यों? नहीं है ना, आप मुझे उसके टॉप पे ले जाओ और है ना धीमे से एक छोटी लत मार दो ताकि मैं ऊपर से डिग पाऊँ। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं तो है ना पिंकी जी,
एक मैं क्या कहती दूँ आप है ना मेरे मुंह को ना इस तरह पढ़ लो और पढ़ के ना उसको है ना और टब में दबोच मारो और अपनी लाते है ना उसके ऊपर रख दो हाँ और जब तक मेरे दामों का बम नहीं फाड़ जाए ना उसकी लत को मत हटाना मैं हूँ ना मैं है ना सुसाइड के ना बहुत सारे असफल प्रयास करना चाहता हूँ ये देखिए इस किताब में कम से कम 250 नुस्खे दिए ऐसे शॉक केसेस को ठीक करने के लिए इससे आप चल सकेंगे भाग सकेंगे हाँ हो सकता है मेरे साथ डांस भी कर सकेंगे डांस हाँ पिंकी जी मैं चल सकूंगा बिल्कुल मैं दौड़ सकूंगा मतलब कि मैं हाथ पकड़ के आपका दौड़ सकूंगा पिंकी जी कि पिंकी जी क्या कमाल की बात की मेरा दिल कर रहा है मैं आपका मुंह चूमूंगा नहीं पिंकी जी मैं फिर से सुनना चाहूंगा पिंकी दे कपड़े यहाँ कैसे सूख रहे हैं कहीं लंगड़े ने लंगड़ी तो नहीं खेल ली तारे ओ भाई सितारे बड़ा जल्दी आ गया जल्दी मुझे तो लगता है कि मैंने बहुत देर लगा दी नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं हुई अभी तक तारे एक्सप्लेन दिस ओ की एक्सप्लेन करना है ओ क्या एक्सप्लेन करना है ओ अपाइट का इलाज करना आई थी इलाज कर रही थी एले ओ भाई सितारे ओ भाई सितारे ओ किथे है ओ किथे ओ भाई सितारे ओ वड्डे पाजी ओके ओ छोटे पाई नु तक्का मारा ओए दो दिन नहीं हुए इधर आके और तू इतना आगे बढ़ गया यार ओए मेरा इरादा तो और भी डीप जाने का था आई मीन मंडप तक जाने का था ओए शट अप यार सुधर जा तू यार हम यहां बंधने नहीं भागने आए हैं जो मैंने अपनी आंखों से देखा अगर राम सिंह देख लेता तो वो तुझे सचमुच अपाहिज बना देता राम सिंह ने कोई गन्ना उखाड़ना है ओए मैं उसकी बहन की लाइफ के अंदर घुस रहा हूं उसकी बहन मेरी लाइफ के अंदर घुस रही है यार मैं आपे ही ना सोच के अंदर ही अंदर मुस्कुराता रहता हूँ कि जब उसकी बहन अपने कोमल कोमल हाथों से मेरे पाँव को दबाएगी तो मुझे कितनी गुदगुदी होगी मुझे तो अभी से हंसी आ रही है तारा जी कुछ दर्द महसूस हुआ क्या नहीं कुछ महसूस तो हुआ है लेकिन दर्द नहीं नहीं अब जरूर होगा अब दर्द महसूस हुआ नहीं कुछ महसूस तो हुआ लेकिन दर्द नहीं तो फिर आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ पिंकी जी कि आपको हमारे इलाज की कितनी परवाह है कितना दिल से इलाज कर रही हो और पुलिस की तरफ पीछे पड़ गई हो पर मुझे लगता है कि ये बेंत ही नकली है पिंकी जी तुझे कितनी छोटी सी बेंत लेके मेरे पीछे मेरा इलाज कर रहे हो जबकि बटे 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 डंडे टूट गए पाजी हाँ जी वो देखो यार की वो देखो वो छोटी सी केन छोड़ दो मैं इस हंटर से तारा जी के पाँव पे मारूंगा और उनके पैर में दर्द पैदा करूंगा हट जाओ और पाजी ये पूरी फैमिली मेरा इलाज करने के लिए क्यों पीछे पड़ गई और यार ये राम सिंह द सिंह मेरे कल्ले क्यों आ रहा है एनु को होल्ड यार क्लीन बोल्ड यार क्यों राम सिंह का सिंह राम सिंह कंट्रोल नहीं कर सकता तो मैं की करा यार इतना बड़ा डंडा तो मैंने कभी नहीं खाया जब वो लट्ठे जिसने टनों के हिसाब से तेल पिया है और दर्जनों का तेल निकाल दिया है इसके पड़ते ही तारा जी की टांगे अपने बाजी सुवारे ने संभालो ये पागल बंदा है और बंदा भी नहीं है बंदर बंदर लट्ठे बादशाह पीछे देखा मार खाए लट्ठे बचा लो भाई ओके होल्ड यार प्लीज रामखोल और बदमाश ओए कमीने मेरा इलाज कर रहे थे अरे हमको क्यों मार रहे हम तो आपका इलाज कर रहे थे ओ हम भी आपका इलाज ही कर रहे हैं है पाजी है जी गिव हिम अ बनाना या दैट विल गिव हिम सम एक्स्ट्रा एनर्जी ले फाड़ इनका इलाज कोई नहीं कर सकता चुप बांदर ऐसा नहीं बोलते इलाज तो होगा मगर प्यार से है जी मैं क्या पिंकी जी ओ सितारा जी बैठिए कैसे हैं आप बल्ले बल्ले ओए मैं क्या तुसी इन्नी मोटी मोटी वड्डी वड्डी किताबां नाल की कर दे पाए हो वो मैं ना तारा जी के लिए नया इलाज ढूंढ रही थी
तारे लिए नया इलाज? हाँ। What do you mean? अरे वो चल फिर नहीं सकते ना, इसलिए तो मैं ऐसा इलाज ढूंढ रही थी वो चल फिर सके। ओए मेरी गल सुनो। हाँ? तारा बेचारा प्यार दा पुक्का है। ओ। वो मारपीट नाल कभी ठीक नहीं हो सकता। हाँ। Actually, तो फिर मैं क्या करूं? आप ही कुछ बताइए ना प्लीज। लेट मी थिंक। तारे दे अंदर एक गर्मी पैदा करो। हाँ। उदे जिस्म च एक अग पैदा करो। हाँ। ताकि वो अग नाल ना उदा जिस्म जले। ते वो जलन नाल इत्थे भागे उत्थे भागे चीखे चिल्लाए जंप मारे। मैं क्या तुसी समझ गए ना? लीजिए चाय। छोटे बात तो बता। हाँ। ये आग और जलन कैसे पैदा करते हैं? पेट्रोल से। हाँ? हाँ हाँ, पेट्रोल में आग लगाइए, उस आग से जो जलन पैदा होगी उससे वो गाड़ी के इंजन की तरह भक 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 इधर से उधर दौड़ने लगेंगे। ठीक है ठीक है, थैंक्स। अरे हाँ, इसी को तो शॉक थेरेपी कहते हैं। आज मौसम बड़ा ओ बेईमान है, बड़ा ओ मेगा बहुत ज्यादा ही बेईमान है। आज मौसम आने वाला कोई तूफान है। तेरे ले फड़फड़े पकड़ ले। आज मौसम। ओए नागा निकली दी है यार, मत गाना इतना। ओए पिंकी जी, पिंकी जी मेरे इर्द गिर्द झाड़ू में इतना पानी क्यों दे रही हो? अरे ये पानी नहीं पेट्रोल है। ओए लेकिन मेरी गड्डी तो हाथों से चल जाती है, पेट्रोल की लोड है? अरे तारा जी ये आपकी गाड़ी चलाने के लिए नहीं, आपको चलाने के लिए है। मेरे को इसे चलाने शॉक थेरेपी कहते हैं। शॉक थेरेपी? बहन दे टके, रोज रोज मेरे लिए नई थेरेपी ले आते हैं, पता नहीं अब क्या करेगी, आग तो नहीं लगाएगी? बराबर बराबर गिरे। ओ काली काली घटा चल रही है, ओए मैं क्या हर कली मुझ पे शक कर रही है। ओए फूलों काटो विच्ची, ओए मेरी जान कुटिया मैं क्या कितने सारे काटे। ओह तारा जी ये क्या, इलाज होने से पहले ही आप भाग निकले। अरे मैं कैसे समझाऊं, व्हील चेयर पे बैठो फिर समझाता हूँ। वो क्या है ना कि ये इतनी ऊंचे ऊंचे श्रेणी के आइडिया आप लाते कहाँ से हो? दा वो आइडिया मेरा थोड़ा था। तो फिर किसका था? आपके बड़े भाई सितारा का था। ओ, हो, 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 हो। तो इस नजारे के पीछे का नजारा सितारा है। हाँ। नजर ना लगे कितने है वो नजरुद्दीन। नहीं किधर है सितारा भाजी? मैं क्या आज मुझे आप पे बड़ा प्यार आ रहा है। तो गले मिल रही है, मेरा डायलॉग तो पूरा होने तो। सितारा भाजी ए पिंकी दी बुक हैगी है, एदे च 50,000 नुक्से ने टंगा ठीक करने दे। ऊपर से एक एक्स्ट्रा नुक्सा तुसी उसको दे क्या है? ओ तारे यार मैं तो उन्हें कह रही थी कि तेरे जिस्म में प्यार की गर्मी पैदा कर रही यार। ओ प्यार की गर्मी कोई अलग चीज होती है और जिस्म में आग लगाना अलग चीज होती है। वो मेरे जिस्म में आग लगा रही थी। है जी? हाँ जी। ना जी। ओ हाँ जी। है जी। तारा जी। ओए, ओए, ओए पाजी मुझे कहीं छुपा दो, ये कोई नया नुकसान ट्राई करे यार। उठे होल्ड कर यार, मैं उन्हें बोल्ड करके आना। ओ ना, उसको जब भी बोल्ड करूंगा मैं करूंगा। तो मैं तो होल्ड कर सकता हूँ। आहो। फिर तुसी बोल्ड कर लेना। और डिस्टेंस मेंटेन करी। खूबसूरत सुहानी खड़े हैं।
बेटा भी यार जोश में कैसे रहूं
जी तो टंगिया टेंक दिया, ठूंठते से खड़े हो गए। तू देखने दीजिए ना हमको। तेरे तू खड़ा हो गया, पागल तो नहीं हो गया यार? हैं, ये मैंने क्या किया? तारा जी मैं खड़ा हो गया? तारा जी हो, अब दोनों पैरों पे खड़े हैं, ठीक हो गए। मैं आपका इलाज कर दिया, तारा जी का इलाज कर दिया, ये इलाज कर दिया। अरे हाथ तो मिलाइए, तारा जी ठीक हो गए। ठीक नहीं हुए यार, आप लोग गंदे हो गए लगता है। साहब जी तो अपने पैरों पे खड़े हो गए, मुबारक हो मुबारक हो। साहब जी आपकी तो भगवान ने सुन ली, आप मेरी सुन लो। हम बहुत गरीब आदमी, मेरी एक माँ दो भाई तीन बहने हैं। माँ की शादी करवानी है, बहनों को नौकरी दिलानी है, भाइयों के हाथ में मेहंदी लगानी है। माँ की शादी नहीं करनी है, मैं देख लूंगा ना। अरे आप क्या देख लोगे, माँ की शादी करनी है। अरे सुनो रे भाई, तारे बोल से तारे। अजी ना मैंने तेरे ऊपर बहुत प्यार आ रहा है। की कह रहे हो? मैंने तेरे लिए 50-60 डुएट गाने लिखे थे। हाँ। तू एक ही गाने में खड़ा हो गया यार। ओए पाजी मैं पंजाबी हूँ, I can't hold, that's why उस कुड़ी का कर दिया मैंने clean bold। हाँ जी हो गया। हाँ जी कुबड़ा साहब, साहब जी तुम्हारा पैर का जख्म ठीक हो गया, फ्रैक्चर भी ठीक हो गया। हम तो कब से बोलता रहे चलने की कोशिश करो ना, व्हाई डोंट यू ट्राई, कम ऑन। तुम तो किसी बात को रिस्पॉन्ड ही नहीं करते। अरे मैं चल नहीं सकता डॉक्टर। अरे यूं ही सोचते परे रहोगे जिंदगी भर, कभी नहीं चलोगे तुम। तुम्हारा तो सिर्फ एक ही टांग है। संभल के। मालूम है आज मैंने मेडिकल जर्नल में पढ़ा, एक पेशेंट दोनों टांगों से अपाइज था, आज वो अपनी विल पावर से, ओनली विथ हिज विल पावर चल रहा है, फिर रहा है। देखो परो जरा। मैं नहीं देखना चाहता। मैं तुमको इंस्पिरेशन मिलेगा, परो। वाह डॉक्टर, ये तो गजब की इंस्पिरेशन है। अगर ये फोटो आपने पहले दिखा दी होती तो मैं एशियन गेम्स में दौड़ रहा होता। गुड। और भारत देश के लिए मेडल ला रहा होता। गुड, वेरी गुड। डॉक्टर मैं बैठना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बैठो। मेरे पांव को खोलिए, खोलिए। मैं बैठना चाहता हूँ डॉक्टर। यस यस सर, मैं बैठना। आराम से डॉक्टर मैं खड़ा हो सकता हूँ। वेरी गुड वेरी गुड डॉक्टर साहब, इसे बिठा दीजिए। अरे तू चुप कर, उसको खड़ा रहने दे, इलाज हो रहा है। डॉक्टर मैं चलना चाहता हूँ। जरूर चल सकता है, आराम से। क्या मैं चल सकता हूँ डॉक्टर? मैं चल सकता हूँ डॉक्टर, मैं चल सकता हूँ। डॉक्टर साहब आप जानते नहीं है ये बहुत चालू, थोड़ी देर बाद बोलेगा मैं भाग सकता हूँ। डॉक्टर मेरा मन कहता है कि मैं भाग सकता हूँ। हाँ तू भाग सकता है, भाग सकता हूँ। आपका इलाज कमाल है डॉक्टर। इसे रोको डॉक्टर। किधर गया? वो भाग गया। मैं बोलता रहा, वो भाग जाएगा। आप बोलते रहे, उसका इलाज चल रहा। अब उसको कौन पकड़ेगा? तेरा बाप। ए पकड़ो उसे, पकड़ो। अरे पैर पे मत मार, अभी ठीक किया मैंने पैर। शट अप। पाजी ऐसा नहीं लगता कि इत्थे आके साड़ी जो लाइफ है वो बिल्कुल चेंज हो गई। चेंज तो हुई है यार। तारे ना असी कोई राबरी कीती है, ना लुटा है। हाँ। ना किसी दा पाकेट मारा है। हाँ जी पाजी, लेकिन मैं उस बदली दी गल नहीं कर रहा हूँ पाजी, मैं तो उस बदली दी गल कर रहा हूँ जिसके पीछे चांद छुपा होता है। पाजी मैं पिंकी दी गल कर रहा हूँ, उसने है ना मुझे व्हील चेयर से उठा के अपने दिल की चेयर में बिठा दिता। मैं क्या तारे? हाँ जी। ये प्रीति है ना? हाँ जी। वो भी मेरे दिल में बस गई है। तो पाजी क्यों ना हम दोनों भाई इधर बस जाएं? हाँ पाजी। हाँ जी। आपने कभी सोचा है कि हमारी पिछली लाइफ से ये लाइफ कितनी चंगी है? हाँ अपनी पिछली लाइफ में कैसी
हाँ भागते दौड़ते पुलिस ते कोबरा कोबरा की गल ना कर यार कोबरा दस दस के उसने हमको ब्लू कर दिया मैं क्या पाजी हाँ जी जी जाएंगे तैर के हाँ जी नई जिंदगी दी नहर नू पाजी मिल के लात मारो इस व्हील चेयर नू ओ चमर से आओ राम सिंह के कबूतर क्या संदेश लाए हो गुड मॉर्निंग राम सिंह गुड मॉर्निंग सेल की तंग दीवारों से तंग आ चुके हो जो आज पीटने के लिए बाहर बुलाया खुली हवा में जगह बदल लो लेकिन सवाल तो वही किसे पिटे ही पूछोगे ना पहला सवाल फौज से चुराए हुए एम्युनेशंस कहां है दूसरा सवाल इन एम्युनेशंस का सौदा किसके साथ किया है तीसरा सवाल तुम्हारा हाइड आउट कहां है यही ना चौथा सवाल तो भूल ही गया तेरे साथी कहां कहां छुपे हुए हैं इस सवाल का जवाब मैं जरूर दूंगा मेरे साथी यहां आसपास पहुंच चुके हैं मुझे छुड़ाने का प्लान भी बन चुका है जिस दिन मैं आजाद हो गया राम सिंह तू खत्म तो ये मौका मैं तुझे भी देता हूं भाग यहां से और मुझे खत्म कर बहुत बहादुर समझता है ना अपने आप को तो ये मेन गेट तो क्रॉस करके बता तेरे और तेरी आजादी के बीच में सिर्फ मैं हूं हमारे बीच में कोई नहीं आएगा इसके साथ खोल दे एक बात और याद रखना पहली बार पकड़ा तो 10 फटके पड़ेंगे दूसरी बार 5 तीसरी बार तू एक फटके के लायक भी नहीं रहेगा भाग जवानों राम सिंह बोल रहा हूं पैंथर को कोई नहीं रोकेगा जहां भागना चाहे भागने दो आउट पैंथर वेलकम राम सिंह Peta, goodbye! Bye! Ram Singh, I will kill you. Gaddar, ek fauji ko maut ki dhamki deta hai. चार हो गए राम सिंह एक बाकी है आजा
फाइनल फटका। हाँ मैम साहब, मैम साहब सुनिए ना, हम बहुत गरीब आदमी हैं, हमारी एक माँ, दो भाई, तीन बहनें, तीनों की शादी करनी है। हमारी दो बहनों के लिए तारा जी और सितारा जी कैसे रहेंगे? ओए बिल्कुल अच्छे नहीं रहेंगे। का है, का खराबी है उनमा? चल जाना यहाँ से, कोई और लड़के ढूंढ। घर से बाहर निकलो तब ढूंढो ना, घर से बाहर निकलने नहीं देते, घर में आने वाला उसको नहीं देते, अपना पूत पुतंगर दूसरे को। वैसे प्रीति तूने ऐसे क्यों बोला? और नहीं तो क्या, मेरी सितारे से अपनी बहनों की शादी की बात कर रहा था। उसकी पर्सनालिटी देखी तुमने, कितना हैंडसम है। पाजी बहुत सोनी आवाज है, तोड़ा फोन है। सोनी आवाज है जी। आ, मेरी गर्लफ्रेंड पिंकी का फोन होगा। देखना कैसी सोनी सोनी गल करूं। आई नो। हेलो, ओ कहां से बोल रही मेरी डार्लिंग? कोबरा बोल रहा हूं। ओए कौन कोबरा बोल रहा है? और कहीं वो कोबरा तो नहीं बोला जिसका दांत निकाल के जहर फेंक के और टोपली में डाल के उसके पांच पांच पैसे में हम दोनों प्राण शो करते हैं पब्लिक में? तेरा बाप बोल रहा हूं कोबरा। उसी तरह भाजी जी, तक कोबरा था फोन सी? मैंने पता सी। तो फोन मेरे हाथ में क्यों पकड़ा? मेरी हालत खराब हो गई सी यार। वो मैं समझ सकता हूँ। थैंक यू। क्योंकि हालत मेरी भी खराब है। बैठ जाए। बैठ जाते जी। इसी तरह जी फोन आते नहीं होंगे। प्लीज चेक। हाँ जी। हेलो। होल्ड पे। अरे तारा जी, सितारा जी आइए बैठिए ना प्लीज, कुछ खाइए। वहाँ खड़े क्यों है आप लोग? अगर आपको भूख नहीं है तो मैं आपके लिए जूस बनवा दूं। अरे क्या बात है बेटा, परेशान हो? नहीं माता जी, बिल्कुल परेशान नहीं है, एब्सोल्युटली नॉट। हाँ थोड़ी टेंशन जरूर है। वो क्या हो गया? कल रात को हम दोनों प्राणी ने एक साथ खराब सपना देख लिया। सपना देखा? क्या सपने में? हमने एक सांप देखा है, कोबरा। आहो ओ। दस नंबर दा।
ये तो बड़ा अशुभ सपना हुआ बेटा। है? कहते हैं कि ऐसा सपना दिखे इसका मतलब होता है कि दुश्मन तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। हाँ। पर कोई बात नहीं, फिकर न करो। ऐसा करो, एक छोटा मोटा सांप लेके उसे दूध पिला डालो। छोटा मोटा सांप मतलब छोटू को दूध पिला दे? बेटर है। हाँ जी। नमस्कार, आज के मुख्य समाचार। खतरनाक मुजरिम कोबरा पुलिस को चकमा देकर हॉस्पिटल से फरार हो गया है। कोबरा पहले भी कई बार जेल तोड़कर भाग चुका है। पुलिस कोबरा की तलाश कर रही है। प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी। सॉरी, यू नो व्हाट? मुजरिम जेल से कब भागता है? कब? अरे जब उसे अपने दुश्मनों से बदला लेना होता है। मैंने शोले देखी है, उसमें कप्पर जेल से भागता है और अपने दुश्मनों से बदला लेता है। वो भी शायद वैसे बदला लेगा। अरे इन्हें अचानक क्या हो गया? इन्होंने तो खाना भी नहीं खाया। नाश्ते में डर खा गया बेचारा। लेकिन आप क्यों कांप रहे हैं? ले मैं कितो डरता। छोटू, और तू सवेरे सवेरे इधर क्या करने आ गया? अरे यही तो हमें आपसे पूछना चाहिए थे, आप आउट हाउस की बजाय यहाँ क्यों सो रहे थे? ओए बेवकूफ, हम लोग जो है ना मेहमान है, मेहमान कहीं भी मंजी डाल सकते हैं, तू इधर की कर रहा है? अरे राम सिंह साहब फौरन बॉर्डर की चौकी की चेकिंग के लिए जा रहे हैं, दो तीन दिन के लिए, उसके लिए गाड़ी साफ करने आए थे। मेहमान बन के कहीं पाजी है जी। और राम सिंह यहाँ है तो कोबरा यहाँ नहीं आता है, पर राम सिंह चला जाएगा तो साड़ी सेफ्टी दा की होगा? तुसे कुछ दसो। तारापा जी, आज एक छोटा जी आइडिया है। बोलो। क्यों ना ऐसी राम सिंह जी नाल बॉर्डर चले जाएं और मौका हाँ? मिलते ही बॉर्डर क्रॉस कर जाएं। ये अचानक बॉर्डर पे आने का प्लान मेरे साथ कैसे बना तुम लोग? पाजी कुछ नहीं हुआ, हमें अपने करेक्टर के बारे में आपसे कुछ पूछना था। ओ बड़े पाजी तुसी पूछो। मैं पूछा? हाँ? तू पूछ यार, तू बोल। अच्छा पूछना। अरे पूछो यार, क्या बात है पाजी? ओए कैसा यार? हाय चलो चल। ए हिलाना है पाजी। हाँ जी पाजी, भागो। चल बैक, चल बैक, भागो। भाई है जी, दो आ रहे। लेट देम कम। पाजी हेलो। पढ़ाओ। नहीं नहीं, गो गोली दे। पाजी चली नहीं। ट्राई अगेन। पाजी चली लेकिन लगी नहीं। ट्राई वन मोर। पाजी हुन चली, गोली पाव ते लगी। पाजी लेट्स गो एंड चेक। कम हमरा क्या रुख से टिंग, रुख से जरा नकाब उठावो साडे हुजूर। ए पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। पर्दा जो उड़ गया तो ओए तो की कर लेगा? ओए टंगा में अभी भी गोली लगी है, साला अंताक्षरी खेल रहा है। ओए पाजी देखो ऐसा क्या चौकते में। पाजी टॉक, पाजी टॉक। आई कांट टॉक पाजी, आई कांट टॉक। व्हाई? बिकॉज़ ही इज कोबरा। ओए कोबरा पाजी, ओ कोबरा पाजी आप।
इस पैर में गोली लगी है मूर्ख। फिर तुसी इसकी टंगा ते गुल्ली मारी है। ओए पाजी इसमें गलती इनकी है, ओए पुलिस और पब्लिक में इनकी फेस वैल्यू है। अब पब्लिक को क्या पता आगे नकाब में कौन छुपा है यार। अरे मैं तुम्हारी जिंदगी का पर्दा गिराता हूँ अभी। तुझको पता ही नहीं है नजदीक है तेरे दिन। अनहोनी है होने वाली इन उंगलियों पे तू गिन। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह। मैं क्या पैसे तारा बोल भाई तारा। ओ ये राम सिंह जी हमको यहाँ क्यों लेकर आए? ओए मैनू लगता है कोबरा दे सिर दे उत्ते बहुत वड्डा इनाम है जो सानू मिलने वाला है। मैनू शुरू से लग रहा सी कि हम लोग दोनों रिलायबली ग्रेट आदमी है, मगर वक्त ने हमारी सक्सेस को हमेशा रोका है। मगर वक्त बदल गया तो राम सिंह भी बदल जाएगा। राम सिंह जी बड़े आओ जी। आओ राम सिंह, अब क्या पूछने आए हो? पूछने नहीं बताने आया हूं। क्या? तेरा भाई कोबरा जो मुझे किडनैप करके बदले में तुझे छुड़ाना चाहता था मारा गया है। एक बात और बता देना चाहता हूं कि उसे मैंने या मेरे फौज ने नहीं बल्कि दो बहादुर सिविलियंस ने मारा है। मैं उन्हें अपने साथ लाया ताकि तू भी देख ले कि हमारे यहां का हर सिविलियन किसी फौजी से कम नहीं। पाजी बोलो पाजी। ये इनाम है क्या फरमान है? पता नहीं, हमें हमेशा खुशी दुख दे लिफाफे की उम्मीद है। पता नहीं यार, मैं तो फेड अप हो गया। पैंथर भाई, राम सिंह की गल्ला है ना, इन पे ज्यादा ना गौर करना। गौर करना वो है ना, जो कुछ भी हुआ है ना एक हादसा सी। बस यही समझ लो कि कोबरा भाई का वक्त आ गया सी। और देखो भगवान कितने दयालु है, उसने आपसे एक भाई छीना तो आपको भेज दिए दो दो प्रा प्रा, एक के साथ एक फ्री फ्री। पैदर भाई सब्र से काम लो। लो मैं सब्र से काम लूंगा। यही ना, यही सब्र नहीं था ना आपके भाई में, इसे तो मर गया सड़क में ना। बेचारा यार बेचारा। लेकिन जिस दिन मैं यहां से भाग गया तुम दोनों की कब्र खोद दूंगा। यार हम सब्र सब्र कर रहे हैं, कब्र कब्र कर रहा है। होई होई होल्ड यार इसके मुंह पे उल्टी कर देते हैं। पाजी इतने सैड क्यों लग रहे हो? यू स्माइल नो पाजी। पाजी ये गड्डी कैसे रही? चलो मैं इसमें आपको ले चलता हूँ। बट वेयर? जहां नसीब ले जाए देर। कम पाजी विद द स्क्रू आई एम गोइंग टू स्टार्ट द कार। पाजी जाने से पहले एक बार सोच लो, क्या हम पिंकी और प्रीति के बिना जी पाएंगे? ओए ना पाजी ना, ओए हमें पिंकी और प्रीति की चूड़ियों की चंडकार को नहीं सुनना है, ओए हमें पैंथर की हुनकार को सुनना है। पाजी बंद पिंजरे में कैद पैंथर, ओए खूनी निगाहों से ड्रामेटिकली हमारी तरफ ताक रहा है। ओए घूम गया ना दिमाग? पाजी एक चीज बोलूंगा तो आपका भी दिमाग घूम जाएगा। कि
The car is gone. हाँ जी। बाजी, money is also gone. I know. बाजी। पाजी, हाँ जी, ताने तो चला गया है, लेकिन लक्ष्मी आ गई। पाजी, गया माल भूल जाते हैं, जो मिला उससे दुनिया बसाते हैं। Let us enjoy. हुस्न की लौ में जल जाते हैं, मोम के जैसे पिघल जाते हैं, वो दीवाने हम चल जाते हैं, गिरते हैं फिर संभल जाते हैं। कोई हमसा ना हमसा, कोई हमसा ना हमसा, दिलदारा मेरे यारा, एक और एक मेरे यारा, एक और एक, एक और एक, एक और एक, और एक, और एक, सितारा, बाहर आओ। पाजी, पाजी आसमान फट गया। कोई बादल गरजना क्यों हो रहा है? किधर छज्जे से कोई आवाज आ रही है? क्या बात है बेटे? क्या हुआ? आज मैं फैसला करके रहूंगा माँ। फैसला? कैसा फैसला? तारा और सितारा की जिंदगी का। तुम दोनों क्या समझते हो हाँ? कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता? सब जानता हूं मैं तुम्हारे बारे में, और आज मैंने तुम्हारी चोरी भी पकड़ ली है। मैं क्या तारे? हां जी, लगता है साड़ी बैंक वाली चोरी पकड़ी गई। करेक्ट। नाचना बंद करो। तुम दोनों वहां क्या कर रहे हो? इधर आओ। जल्दी जल्दी तारा, सितारा, वाह वाह क्या खूबसूरत लग रहे हो तुम। तुम लोग क्या समझते हो कि तुम्हें नाचते गाते किसी ने देखा नहीं? हाँ जानते हो, जब भी मैं बॉर्डर पे जाता था तो मुझे हमेशा ये फिक्र लगी रहती थी कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा। मगर अब मुझे कोई फिक्र नहीं। अगर मुझे कुछ हो भी जाता है तो मैं जानता हूं कि तारा सितारा मेरे परिवार को संभाल लेंगे। यकीन नहीं आता कि घर बैठे बैठे इतने अच्छे लड़के मिल जाएंगे। अरे बेटा, मुझे तो बहुत खुशी हुई कि तूने प्रीति और पिंकी की बात पक्की कर दी। अरे पर एक बार प्रीति के मम्मी पापा से तो पूछ लो। अरे तो उसमें फिक्र की क्या बात है, माँ को लेकर चली जाओ। ऐसे लड़के मिलेंगे का? अच्छा माँ जा। नहीं नहीं, बड़ी खुशी की बात है। राम सिंह जी ने रिश्ता भेजा है तो यकीनन खानदानी और इज्जतदार घराने का होगा। हैं? वो सब तो ठीक है, लेकिन लड़के हैं कौन? हमें भी तो मिलवाओ उनसे। हाँ हाँ भाई, अभी मिलवा देते हैं। अरे तारा सितारा, शर्माओ नहीं बाबा, आओ यहाँ आओ। जी मैं क्या? नमस्ते। गोली वाले बाबा, वही कद वही काठी, दाढ़ी लगाओ तो हूबहू वैसे ही लगेंगे। बहन जी, वो दो कमीने जो मेरा बैंक लूट कर गए थे ना, उन दो की इन दो से काफी शक्लें मिलती जुलती हैं। ओ पाजी, ओ जी, इनको तो सूट बूट में हम लोग कमीने थे चोर लग रहे हैं, वो पजामा कुर्ता पहन लेते तो ये क्या बोलते? ओ पाजी, मैं बर्दाश्त नहीं मैं कर सकता बर्दाश्त यार। ओ पाजी, हमको ऐसे रिश्ते नहीं चाहिए। तुझे नहीं करना, मुझे तो करना ना रिश्ता यार। अच्छा? हाँ जी। अरे बेटे सुनो तो, मैं तुम्हारी नहीं, मैं तो उन दो कमीनों की बात कर रहा था। फिर उसमें से एक कमीना जो बिल्कुल तुम्हारे जैसे दिख रहा था, वो तो मेरी बेटी को भगाने की भी बात कर रहा था।
यार आप हमें बार बार गालियां क्यों दे रहे हो पाजी, कुड़ी एक्सप्लेन यार। पाजी मैंने बोला चलो चलो चलो, तो तुम बोले रुको रुको रुको। मैं तो उन दोनों को गालियां दे रहा हूँ, उन दोनों को। अजी पर लग तो हमको रही है ना। अब तुम्हें क्यों लग रही बेटे गाली? सीधी बात है, उनकी शक्ल हमसे मिलती थी ना। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा ये बताओ तुम दोनों में से चोर कौन है? दोनों चोर यार। नहीं नहीं, चोर मेरा मतलब है वो चोर कौन है जिसने मेरी बेटी का दिल चुराया है? मेरा दामाद कौन है? That is me, sir. अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। मैं वो राम सिंह जी वाला। हेलो, हाउ डू यू डू। ओ जाना है, मैंने वो टाइम देख रहा था मैं कभी से। ये मेरी घड़ी है। ओ जी ये कर रहे टी है, टी पर तारा। नहीं ये टीकू का टी है। ओ जी ये तारा है, तारा। अभी आप बोलोगे ये एस भी आपका है। ये एस मेरी बीवी का है। अरे एस मतलब नहीं, सितारा होता है, सितारा है। अजीब इत्तफाक, तारा ते सितारा ते सितारा ते तारा। अच्छा अजीब इत्तफाक है। इत्तफाक ही नहीं है जी, खरीदी है हमने, रसीद है। आओ बेटे मुंह मीठा करते हैं। आओ लो जी, कान कड़वा कर दिया, बोल रहे मुंह मीठा करो। चलो यार चलो चलो बेटे, आओ आओ मुंह मीठा करो। आओ, सब पता है आप खीर बहुत अच्छी बनाती हो ना, गोभी के परौठे भी बहुत अच्छे बनाते हैं ना। अरे कैसे पता चला, कैसे पता चला? पता 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 पता, कितनी बार पता पता पूछोगे, सानू सब पता है। इधर हॉल है, उधर बेडरूम है, बेडरूम में बाथरूम है, बाथरूम में कमोड है, और उधर तिजोरी भी है, और उधर टेबल है, वहां पर चैन से बैठ के ना सब लोग। होल्ड यार, क्लीन होल्ड यार। राम सिंह जी से बात करके मंगनी और शादी की तारीख तय कर लेते हैं। जल्दी कर लेना जी। जी आपकी गाड़ी चाहिए। जी पाजी, है जी पाजी, है जी। क्या हुआ? ओ पाजी मेरा दिल कर रहा है, मैं भाग रहा हूँ। ये तो वही गड्डी है। ये मेरी बॉनेट में गोल गोल क्यों घूम रहा है? डोंट वरी डोंट वरी, इज हैप्पी, लेट हिम बी हैप्पी। आई एम नॉट हैप्पी ना, लेकिन वो मिल गए, मिल गए आज मेरे पाजी। पाजी तानू भी, तानू भी, तानू भी। ओ जल्दी से सामान निकालो, ये अपनी बैंक खुलवाएगा। निकाल रहे हैं यार, निकाल रहे हैं। हाँ जी जल्दी निकालो। कौन? ओ पाजी। हाँ जी। ओ पाजी तुम्हारा सामान आ गया। सितारा निकालो जी, परमानेंट सामान आ गया। हैं तुम इधर संभालो, मैं उधर संभालना। अच्छा चंगा चंगा चंगा। तुम्हें क्या हुआ? अरे शर्म आ रही है मुझे, आप लोग लगे रहो, मुझे कुछ टेंशन नहीं। इतनी रात गए तुम मुझसे मिलने आए हो? क्या करता, इतने दिनों बाद मेरा दिल मिल गया। अपने दिल को संभालो, कुछ ही दिनों की तो बात है ना। नहीं नहीं कभी नहीं, इतने दिन इसके बगैर गुजारे हैं, आज तुम्हें हाथ से नहीं जाने दूंगा। नहीं, है नहीं, जी? हाँ जी। आप प्लीज चले जाओ, कोई आ जाएगा। भाई खुल गए, खुल गया दोनों दरवाजे, इधर भी तो उधर भी। पापा कौन है वहाँ पे? कौन है, कौन है? तारा, सितारा, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? ओ जी बैग ये नीचे गिर गया था ना, हम लोग अंदर रख रहे थे। ये वही बैग है जिसमें चोर सारा चोरी का माल भर कर ले गए थे, मेरा सारा रुपया। तुम लोगों ने ढूंढ लिया, तुम लोगों ने ये बैग ढूंढा। अरे तुम लोग तो मेरे लिए देवता हो। तारा, सितारा, अरे तुम लोग मेरे हो, हम लोग आप बहुत बड़े हो, बहुत बड़े हो, देवता हो तुम लोग, मेरे लिए देवता हो। मजनू थे वो चले गए, जो रांझा थे वो चले गए, जो मजनू थे वो चले गए, जो रांझा थे वो चले गए। वो इश्क है ना प्यार है, वो दिल है ना दिलदार है, तू दोस्त है ना यार है, ये तेरी मोहब्बत बेईमान मोहब्बत, तेरी मोहब्बत बेईमान मोहब्बत। जो मजनू थे वो चले गए, चले गए, चले गए, जो राजा थे वो चले गए, चले गए, चले गए। उन दीवानों का नाम न लो, नाम न लो, नाम न लो, उन परवानों का नाम।
जी मेरे को तो यकीन ही आ रहा, उसकी शक्ल कोबरा से मिल रही थी लेकिन वाकई वो कोबरा थी। यार तू बड़ा बेशरम आदमी है यार, तेरे को इतना ऊंचे से फेंका था तू फिर नीचे से निकल आया। थले पानी सी ना, ना पानी था ना छाड़ था, नीचे भगवान थे जिन्होंने मुझे बचा लिया। लेकिन अब तुम वही करोगे जो मैं चाहूंगा। भगवान इसको क्यों बचाने लगे? भगवान से पूछो यार। ओए सुनो, ओए हम लोग तेरी बात क्यों मानने लगे? ओए हमने जिंदगी में सिर्फ एक ही की गल मानी है, वो है साड़ी माँ। तुम्हारी माँ? लो बात करो उससे। बात करो ला बजो इधर ला। हेलो हेलो हेलो। ओए माँ ओए माँ तू रो क्यों रही हो? तारे मेरे पुत्र, ये खोते दे पुत्र मैंने किडनैप करके इत्थे ले आए, तुम लोग किधर हो? पाजी माँ रो रही हो? माँ माँ तू ठीक है ना? माँ मैं कुछ नहीं जानती, इन लोगों ने मुझे खाने को मिली दिया कभी ले करके। माँ हेलो। आए सुनो, आए आए तेरी गन वन कुछ काम नहीं आएगी, तेरी माँ बहना कर रहा है। ओए मारना मत मेरे पाजी। पाजी ना ना ना, गन भी इसके पास है तो माँ भी इसके पास है, तो आज इसका दिन है। आज बोलो है प्रॉब्लम की तेरी, क्या चाहता तू? दो चीजें, नंबर वन राम सिंह के घर में एंट्री, ये मैं तुम पे छोड़ता हूं कि तुम चाचा बना के ले जाओगे या मामा। और नंबर दो, ये हुलिया बदलना चाहता हूं, इस दाढ़ी से बहुत उब चुका हूं और पहचान में भी आ सकता हूं। बेटा मच बेटा। मगर ये सब लाने की क्या जरूरत थी? अजी जरूरत थी, हमारे यहां पर इसे शगुन कहते हैं और मैं कोई गैर थोड़ी ना हूं। आखिर लड़कों का मामा हूं मामा। नागराज मामा। डसने वाले मामा। आप लोग ने पहले नहीं बताया कि आपके कोई मामा भी हैं? अब कैसे बताएं, खाली तो प्रकट हुए। दरअसल जब ये दोनों छोटे छोटे से थे तभी मैं अफ्रीका चला गया था काम से। देखो ना धूप में इनका रंग दे रूप और भी निखर गया। वैसे राम सिंह जी मेरे ये दोनों भांजे आपकी बहुत तारीफ करते हैं। कहते हैं आपने तो बड़े बड़े मुजरिमों को पकड़ा है। एक बात
बताएंगे राम सिंह जी? मैंने सुना था कि मुजरिमों को पकड़ते हैं तो लोग उन्हें जेल में रखते हैं, आप लोग कहाँ रखते हैं? मामा जी तुमसे कितनी बात करते हो, ये लो मिठा खाओ। अरे बांजो, मैं किसी खास मुजरिम के बारे में थोड़ी ना पूछ रहा हूँ, मैं तो पूछ रहा हूँ कि मुजरिमों को आप लोग रखते कहाँ है? मामा जी थोड़ा मिठा और खा लो। अरे पूछने दो मामा जी, ऐसे खतरनाक मुजरिमों को हम हमारे हेडक्वार्टर के स्पेशल सेल में रखते हैं। स्पेशल सेल में बहुत सिक्योरिटी होती होगी वहाँ? ऐसी वैसी सिक्योरिटी होती है, अरे बम के बड़े बड़े गोले होते हैं ये ऐसे। और इसका मतलब मेरे दो भांजे भी नहीं जा सकते? नहीं। अरे नहीं क्यों, ये दो तो हमारे कैंपस के हीरो हैं, इन्होंने हमारी जान बचाई है, और वैसे भी तारा हमारे होने वाले दामाद है, इसे वहां सब पहचानते हैं, ये तो कभी भी आ जा सकता है। मतलब मैं नहीं जा सकता? नहीं। अरे हाँ क्यों नहीं, ड्यूटी आवर्स में वहां पर जो भी काम करते हैं उनके रिश्तेदार वहां कभी भी आ जा सकते हैं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात है। लेकिन राम सिंह जी मैं एक बात और जानना चाहता हूँ। थोड़ा मीठा और खा लो। ओ मामा जी सॉरी, और गलती से मिर्ची उठ गई। मामा जी सॉरी। चुक चुक जियो, दरअसल मुझे मिर्ची बहुत पसंद है। अच्छा अच्छा, तो एक और खा लो। अरे बस भी कर। मामा जी बहुत पसंद है। मामा जी एक और ले लो। अरे छोटू तू जी, आज मामा जी को भी साथ ले आए? वो मामा जी को रेजिमेंट देखना था ना, उसके लिए लेके आए। हाँ हाँ दिखाइए दिखाइए, जाइए मामा जी। थैंक यू। चलिए मामा जी, आइए 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 ना, आइए आइए मामा जी। देखा छोटू का कमाल? मानते हूँ कुछ, अरे हम तो कहते हैं अपना रुतबा राम सिंह साहब से कम नहीं है। अगर आप यहाँ अकेले आते ना तो आपको गेट से ही बाहर भगा देते, अंदर नहीं आने देते, चाहे आप ताराजी सिताराजी के मामा। सही कहा तुमने छोटू, कमाल है। नमस्ते छोटू, बहुत इज्जत करते हैं सब अपनी। कोई चिंता वाली बात नहीं, जब तक आप मेरे साथ हो कुछ नहीं हो सकता। आप तो बस पीछे पीछे मेरे चले आओ, आंख मीच के इधर उधर मुड़ना नहीं, नहीं तो गोली में मार देते हैं। सीधा जाओ मेरे मामा जी। मेजर राम सिंह के, मेजर राम सिंह के रिश्तेदार हैं। आपकी बोल रहे मामा जी। Stop it। Thank God मेजर साहब आप आ गए, वरना आपके लोग तो मुझे गोली मार देते। बिल्कुल मार देते, ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, यहाँ पे किसी भी अजनबी को गोली मार देने का ऑर्डर है। वैसे मेजर साहब यहाँ पर आपकी सिक्योरिटी तो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, क्या बात है। यहाँ पर एक खतरनाक मुजरिम कैद है। हाँ। पैंथर। पैंथर? क्या आपने कहा पैंथर? अरे ये तो वही खतरनाक मुजरिम है जिसके भाई को मेरे भांजो ने मारा है। अरे मेजर साहब उसने तो धमकी दी है कि वो जेल से बाहर निकलेगा और मेरे भांजो को मार डालेगा। प्लीज फिकर मत करो मामा जी, फिकर मत करो, वो यहाँ से कभी भाग ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ की सिक्योरिटी तो मजबूत है ही। हा? मगर वो जिस सेल में बंद है हा? उसकी चाबी हमेशा मेरे पास रहती है, मेरे घर में, मेरी अलमारी में। सो डोंट वरी। पकड़े गए ना मामा जी? क्या मतलब? हम सब जानते हैं कि आप इस वक्त दबे पांव किस इरादे से जा रहे हैं। किस इरादे से? चोरी के। चोरी के? हाँ, घबरा गए ना, लेकिन आप जहाँ जा रहे हैं वहां आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। मैं कहाँ जा रहा हूँ? किचन में। आपको भूख लगी है ना? किचन में? हाँ, आपको भूख लगी है ना? भूख लगी। हम अभी खाना बना के लाते हैं। लोग सो रहे हैं, हम खाना बना के लाए आपके लिए। भूख मर गई, मर गई। तू जा, तू जा, तू जा।
डैड मॉम डैड मॉम डैड अरे क्या हुआ अरे मम्मी पापा सो रहे हैं उन्हें सोने दो ना मुझे कल जल्दी स्कूल जाना है और अगर इनसे फीस लेकर नहीं गया ना तो मेरी टीचर मुझे मार डालेगी अरे तो मम्मी की परस से निकाल लो ना लेकिन उन्हें सोने दो तुम भी भैया मम्मी पता नहीं पर्स किधर रख देती है मम्मी भी ना कबर्ड खुला ही छोड़ देती है अगर पर्स मिला ना तो देखना अरे ये देखो यहीं रखा है भाभी ने पर्स फोटू ये क्या है मुझे तो नहीं दिखा तुझे खाने के सिवा कुछ चीज नजर भी आती है रसगुल्ले पड़े होते हैं तो बंद अलमारी में भी दिख जाते ओ यार वो कोबरा गैब हो गया है वो बाथरूम में कहीं होगा बेटा ओथे नहीं है यार वो बाथरूम में कहीं मोरी के पास छुप के बैठा होगा काला कोबरा होता है ना ओए उठ तो सही यार अरे क्या यार पाजी सितारे यार सुने दो यार क्या मखौल है ओए यार मुझे डर लग रहा है यार डर किस बात का डर इस बात का कहीं कोबरा पैंथर को छुड़ाने तो नहीं चला गया अरे पैंथर को छुड़ाया जाएगा पाजी तो बहुत ही खुशी की बात है क्योंकि तो सिक्योरिटी की गोली से मारा जाएगा ना साला चूहा चूहा नहीं पाजी मैं चू बोल रहा हूँ ओए चूहा चूहा पाजी चूहा अरे नहीं भांजो अगर मैं मर गया तो तुम्हें तुम्हारी माँ का पता कौन बताएगा ओ यार एक चीज समझा तू आधी रात को का गायब हो गया सी ये चाबी बनवा ले पाजी ये चाबी सुनी सुनी सी नहीं लगती ओए सुनी सुनी नहीं यार दिखी दिखी लगती है मेरे को लगता है कि पाजी हमने बहुत सारे ताले तोड़े हैं ना उनमें से किसी एक ताले की चाबी है ये मेरे भाई पैंथर की आजादी की चाबी है इसने चाबी हमारे मुंह पे क्यों दे मारी ओए एक्सप्लेन कर यार चाबी मुंह पे क्यों फेंकता है पाजी मैं बताता हूँ मुझे लगता है कि चाबी इसलिए फेंकी गई है और क्यों फेंकी है यार क्योंकि इस चाबी से तुम दोनों आज रात मेरे भाई पैंथर को छुड़ाओगे हम दोनों भाई आपके भाई पैंथर को क्यों छुड़ाने लग गए हैं पाजी क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो कल सुबह सूरज तो उगेगा लेकिन तुम्हारी बेचारी माँ उस सूरज को देख नहीं पाएगी ओए तू बहुत बड़ा चूहा पाजी चूहा चूहा कोई बात नहीं हम अपनी माँ के लिए काम करेंगे मिलाओ हाथ इसी बात की कर रहे पाजी लाइट नीचे करो वो तारा जी आप और नहीं तो क्या तुम उधर भी तुम इधर भी तुम पीछे साहब सो रहे हैं पाटा खोलो वो सॉरी सर कोई बैरियर खोल जैसी फटाफट राम सिंह जी की गाड़ी सर अभी आए इस वक्त उठाऊं इसको कमीने प्यार से उठाना उठाता हूं उठाऊं भाई प्लीज मैं क्या गुल्लू गुल्लू ओए गुल्लू गुल्लू पाजी
पाजी ये तो रिएक्ट नहीं कर रहा, इसकी डेथ तो नहीं होगी? ओए शुभ शुभ बोल यार, मैं ट्राई करता हूँ। प्लीज। मैं क्या पैंथर पाजी, तुसी किथे मार तो नहीं गए? मरोगे तो तुम लोग, पैंथर के हाथों आप नहीं बच सकते। तारा और सितारा, हम मजबूर हैं। कॉल लो मुझे। मैं क्या पाजी? हाँ जी। एक ट्रक वाले का पता चल गया है। अच्छा। एक घंटे में निकलना है। बट पाजी, असी निकलेंगे कित्थे? पाजी, कहाँ वो ट्रक ले जाए? You know we don't have any ठिकाना। I know पाजी, but पाजी अपने हाथ से ना बहुत बहुत बड़ा अपराध अपराध हो गया यार। ले, इनको क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ? क्या हुआ माँ? इस अपराध अपराध का कारण मैं हूँ। मेरे को बचाने के लिए तुम दोनों ने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी। वेपर लाओ यार। इतना तो मेरी सगी औलाद भी प्यार नहीं करती। सगी सगी की कर रही है? सगी? हाँ? ऐसा बोल के हमारा दिल दुखा रही है तू? हाँ सगी। हाँ? ओ पाजी, हमने इनको कभी सगी से अलग समझा है? हाँ पाजी सगी। ओ माँ मेरी गाल सुन। सगी। इस जन्म तो क्या? 10 जन्म तक हम तेरे लिए सैक्रिफाइस करेंगे टॉकिंग। और नहीं तो क्या? नॉनसेंस गल कर। क्या ये क्या बात है सर? आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। माफ कीजिए, मैं कुछ नहीं बता सकता। जस्ट वन क्वेश्चन सर। सर हमने सुना आपको सस्पेंड कर दिया गया है। मैंने कहा ना, आई कांट आंसर एनी क्वेश्चंस। इतने बड़े दो वांटेड चोर इतने दिन तक आपके घर में रहे और आपको जरा भी शक नहीं हुआ कि उनका मिशन पैंथर को छुड़ाना था? आप इतने बड़े ऑफिसर हो, इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट संभालते हो, फिर आप धोखा कैसे खा गए सर? मैं एक ऑफिसर के साथ साथ एक हिंदुस्तानी भी हूं और हम हिंदुस्तानियों की एक कमजोरी है, बड़ी कमजोरी, कि वो जज्बाती होते हैं। कोई गरीब हमारे दरवाजे पर आता है तो हम उसे अपने हिस्से का खाना देते हैं बिना ये जाने कि उसे भूख है या नहीं। कोई बेसहारा सहारा लेने आता है तो हम उसे मजबूर समझकर अपने घर में सहारा देते हैं बिना ये जाने कि उसके दिल में क्या है। बैंडी हो गई थी जो तारा को अपनी मांग में सजाना चाहती थी। मुझे क्या मालूम था कि जिसे मैं अपनी जिंदगी बनाना चाहती थी वही एक दिन मेरे भैया की जिंदगी उजाड़ के चला जाएगा। मजबूर तारा और सितारा ने अपनी मां को बचाने के लिए पैंथर को आजाद तो करवा दिया मगर सजा बेचारे राम सिंह को भुगतनी पड़ी। सच कहा है किसी ने, करे कोई भरे कोई। ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? कल तक आप हमारी हिम्मत थे, आज हम सब आपकी हिम्मत है, हम सब आपके साथ हैं। डैड, जब भी मुझे पढ़ाई में कम मार्क्स आते थे या फिर मैं खेलकूद में पीछे रह जाता था तब आप मुझे हमेशा कहते थे कि एक फौजी के बेटे को कभी भी हिम्मत नहीं आनी चाहिए। मगर आज अगर एक हिम्मत देने वाला ही हिम्मत हार जाएगा तो हमारा क्या होगा डैड? वीरे, तेरा बाप कभी हिम्मत हारा नहीं ना हारेगा। मेरी नजरों से आज तक कोई दुश्मन बचा नहीं। अफसोस इस बात का है कि वो तो दुश्मन हमारे घर में रहकर मेरी नजरों से बच गए। नहीं नहीं साहब, नहीं नहीं साहब, नहीं, 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 नहीं।
कसूरवार हूं मैं सब। हम नहीं छोटो, उन दोनों ने यहाँ आने से पहले हमको अपने जाल में फंसाकर इस घर की सारी जानकारी ले ली। इस गुनाह की यही सजा है साहब, हमको गोली मार दीजिए। नहीं छोटो, हमको मार दीजिए। छोटो, मैं उन दोनों को मारूंगा जिन्होंने हम सबको धोखा दिया है। गोली इतनी लगी? मैं भी ठीक हूं। तो फिर किसको लगी? तेरे पाजी। हाँ जी पाजी। असि इन्हू साडा सिचुएशन एक्सप्लेन करने आए सी। हाँ जी। ऐ तो बोलने से पहले साडे होते यार। चल कुड यू एक्सप्लेन। ओ पाजी, पाजी मेनू लगता है कि हमारी जिंदगी में जे बार बार जे ऊंच नीच होता है ना पाजी, मेनू लगता है पाजी राम सिंह जी ओए ओए गोली चलाने से पहले साड़ी बोली तो सुन लियो। कुछ नहीं सुनना। एक मिनट को ही लगा रहे तो गोली चला दूंगा मैं। माता जी इधर जाओ। हाँ इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ, जाओ शराफत से आ जाओ। रिक्वेस्ट जी रिक्वेस्ट। पाजी तुझसे पीछे चले आओ। हाँ अरे हाँ पाजी, यू हर्टिंग मी यार। व्हाई? तुम मेनू किडनैप कर रहा है यार। पाजी राधी सुनो, मैं कभी आपको कोई लगा रहे तो गोली मार दूंगा, गोली मार दूंगा ऑलरेडी नो। डैड दादी को बचाओ। सब्र कर बेटा। ओए मोटे, तेरी दादी नो तेरा प्यो भी नहीं बचा सकता। और प्यो दा मतलब समझता है? फादर। डैड को कुछ मत बोलना। सबर रख। साहब जी कसम भगवान की मर जाऊंगा, लेकिन आप पर आज नहीं आने दूंगा। चुप कर। आज नहीं आने देगा? ओए तेरी एक माँ, दो परात, तीन बहन है, उनकी शादी किए बगैर मर जाना चाहता है? माँ की शादी नहीं की शादी? अबे साले बहने कुंवारी रह जाएंगी साले, और मैं देखता हूँ कि माँ की शादी कैसे नहीं करेगा तू। कोई चलाकी नहीं चलेगी और होशियारी भी। ओए माता जी नहीं, मैं कोई चलाकी नहीं कर रहा हूँ। तुम्हारी हर बात मानूंगा, जो तुम कहोगे वो करूंगा, बस मेरी माँ को छोड़ दो। देखा निकल गई ना जान। ओए पाजी ये माँ हस्ती ऐसी होती है, जिस तरह तुसी माँ दे लिए मजबूर हो गए सी, उसी तरह हम दोनों मजबूर हो गए सी। हाँ जी। ओए वो कोबरा है ना, उसने हमारी माँ को किडनैप कर लिया और बुला के जाके पैंथर को छुड़ा के लेके आओ। और अगर हम पैंथर को नहीं छुड़ाते तो कमीना आराम को गधे दा पुत्तर लुदा पट्टा बंदर की औलाद। पाजी आगे बोलो यार। वो साड़ी मां नु मार देता यार। और तुसी बताओ, ओए जिस मां ने हमको जिंदगी दी ओए हम उसको मौत देते? ना तारे। ओए होल्ड यार। होल्ड ओए यार, बंदूक फड़ा यार। व्हाट इज द प्रॉब्लम? ओए यार एक मिनट यार। अच्छा राम सिंह जी, नाटक ना, हमने आपको एहसास दिलाने के लिए कितना सी कितना सी, अगर फिर भी आपको हम पे भरोसा नहीं है तो हेलो बंदूक मार दो गोली। पाजी की कर रहे हो? पाजी की कर रहे हो? और इन बंदूक की फड़ानी है तो माँ के हाथ पे फड़ाओ, क्योंकि इसके सीने में तो फिर भी माँ का दिल है और राम सिंह तो फिर भी पुत्र है। राम सिंह जी सानू माफ कर दो, और जी बुरे हालात में हमसे बुरा काम करवाया गया है, पर हम दोनों बुरे इंसान नहीं है। राम सिंह जी, हमने कभी नहीं चाहा कि हमारी वजह से किसी का कार बर्बाद होए। हाँ। हमें एक एक मौका और दे दो। पैंथर को हमने छुड़ाया सी, उसे पकड़ के हम ही लाएंगे। भाई इतनी सी बात नहीं है। अच्छा? हाँ और भी बताता हूँ मैं। राम सिंह जी हमारे वजह से आपकी जो इज्जत गई है ना, और आपके कार की जो खुशियां लुटी है ना, वो भी हम दो पराए लौटाएंगे आपको। ओ, इतनी सी बात नहीं है राम सिंह जी, हम दोनों को एक एक मौका और दे दो। बस इतनी सी बात है। मुझे तुम दोनों की बातों में सच्चाई नजर आती है, जाओ तुम्हें मौका दिया। उस दिन मैंने आपका इंटरव्यू देखा थी, आप उसमें बोल रही थी कि आप अंधी हो गई थी। अरे अगर आप अंधी होती तो मुझे सब खूबसूरत रोली पोली थे फाइव स्टार तारा आपको कहाँ नजर आता। और मेरी तो गुजारिश है कि आप इस तारे को अपनी मांग का तारा बना के सजा दो। तारे? नहीं नहीं तारे। हाँ जी। शर्मान दा मतलब रजामंदी है यार, मुबारक हो। हाँ जी हाँ जी थैंक यू पिंकी जी।
आप प्रीति जी को फोन करके दसना कि उनका सितारा सुधर गया है। और एक लॉन्ग डिस्टेंस फोन कॉल खुद को भी करना कि तोड़ा तारा भी सुधर गया। एक मिनट यार, ओए मैंने तुझे मोटा कहा। भाई वो मोटा ही है, उसको ज्यादा खुश करने की कोई लोड़ी। आ जा माँ। पाजी है जी, अंदर ऐसी वड्डी 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 थे, उससे भी ज्यादा वड्डी थे, फ्री एक्सरसाइज की गल्ला करके आए हैं, पर हुन पैंथर को कौन से जंगल में ढूंढे। मैं क्या पाजी, पाजी अंदर तो तुसी भी शेरे पंजाब हो गए सी। हाँ जी हो तो गया, कर दी खुशियां, हाँ जी हाँ, कर दी इज्जत वापस ला रहे सी। हाँ जी पाजी, मैं की करूं, पंजाब का ब्लड है ते रह रह के खोलता है। तो हुन की करिए यार। पाजी है जी, वो रास्ता सानू माँ ने दिखाया था, तो ये भी रास्ता सानू माँ ही दिखाएगी। मैं क्या, तारा सितारा हाँ। दोनों कमीने। ये क्या बोल रही माँ? अरे वो दोनों कमीने मैंने एक जगह लेके आए थे। ओ माँ तूने कमाल कर दिया, और दुश्मनों के अड्डे तक पहुँचा दिया हमको। माँ हंसती ऐसी होती है ना माँ। अरे बस बस, ये इमोशन दा वक्त नहीं, एक्शन दा टाइम है। जाओ जाके दोनों अपना वादा पूरा करो, जाओ। ओए माँ तू एक काम कर, तू राम सिंह को यहाँ का पता बता, तब तक हम लोग दुश्मनों को समाप्त कर देते। पारी पारी। ओए यार, ओए माँ, ओए माँ तूने ड्राइविंग सीख ली? आहो। ओए आई एम सो एक्साइटेड। ओए डूड, ओए पाजी माँ ने ड्राइविंग सीख ली? यार माँ हंसती ऐसी होती है। राम सिंह पैंथर, पैंथर तेरा देश छोड़ के जाना था, तो सोचा तुझे आखिरी बाय कर दूं। वर्दी में बहुत अकड़ता था तू राम सिंह, अब पूरी जिंदगी शर्म से सर झुका के जिएगा। ए कमाल के लॉकअप में तूने मुझसे बहुत सवाल पूछे थे, यह है पैंथर का आखिरी जवाब। गुड बाय। सब जगह लैंडमाइंस फिट कर दिए? जी। हाई रोड में बॉम्ब लगा दिया? यस सर। गुड, हमारे यहां से निकलने के बाद हमारा कोई निशान नहीं बचना चाहिए। हां जी पाजी। हां जी, मैं क्या सामान तो लोड हो गया, लेट्स गो। उस स्टेशन पे गाड़ी जब छूट जाती है तो एक दो तीन हो जाती है। hey, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, पीछा करो। पाजी, हां जी पाजी, आज मैं बहुत खुश हूँ। वाई पाजी, विदाउट डूइंग एनी खून खराबा, any kind of war, right, right. We have done something great for the country. Very good. Paji, आज मुझे खुशी से आंसू आ रहे हैं पाजी। भाई यार, भाई पाजी मैं रोना चाहता हूँ। पाजी यार मेरी इमोशनल, पाजी मैं रोना चाहता हूँ यार। अरे गाड़ी को ओवरटेक करो। है बेवकूफ। पाजी सामने दो सड़कें आ रही हैं, राइट से लेफ्ट कितने बड़ा? पाजी जिंदगी में पहली बार हमने कोई राइट चीज की। हाँ जी हाँ जी, राइट टर्न मार लो पाजी। पाजी ये पीछे गिरेगा देखना कैसे, राइट में टर्न मारता हूँ मैं, गिरे हो टंगा ऊपर हो गई। पाजी आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत ज्यादा एक्साइटेड। वाई पाजी, वो गर्ल ऐसी है ना कि राम सिंह जी तो खुश होकर शादी करवा देंगे, और उसके बाद भाभी जी ने पिंकी ते बच्चे इधर इधर, पाजी दो अली बाबा भाई यार। पाजी हाँ जी, आगे फिर दो सड़कें आ रही है, कितने बड़ा, राइट के लेफ्ट? पाजी when the future is bright, हाँ जी पाजी, I think you make another right. हाँ पाजी, it's a very good saying, walk straight and turn right. पाजी मुझे ना एक और भी एक्साइटमेंट है पाजी। ओए कोई एक्साइटमेंट ना कर यार, तू गड्डी चला यार प्लीज यार। पाजी एक बार सुन लो ना प्लीज। नहीं यार तू गड्डी चला यार प्लीज। अच्छा पाजी, पाजी when everything is right, हाँ जी पाजी, make another right यार पाजी। ओके पाजी, एक और राइट और राइट और राइट। पाजी मैं क्या पाजी, कहीं हम वहीं तो नहीं आगे पाजी? पाजी मैं क्या राइट राइट बोल के आप रॉन्ग ले आए हैं पाजी। जब लाइफ में हो टाइम राइट, तो आदमी राइट जगह आता है। टाइम तुम्हारा नहीं, हमारा राइट है, पकड़ लो इन जोकरों को। अजीब दास्तां ये, ओए जहां शुरू वही खत्म। तुसी लगाओ, when future is bright, take another right,
ओए राइट राइट बोल के किधर राइट में घुसा दिया यार। मेरी गल सुन यार, गड्डी तो तू चला रहे सी यार। टर्न करने के लिए कौन बोल रहा सी? न वो समझ सके ना ये मन यार। बंद करो ये बकवास। और बकवास नहीं है, कोई बंद करने की भी बात नहीं है। ये बंदा ना, ये बंदा हमेशा गड़बड़ करके ना मेरे को अटकाता रहा। अच्छा, मैं गड़बड़ कर रहा हूँ? पैंथर पाजी, तुसी कोबरा पाजी ने पूछो इदी टंगा च गोली किन्ने मारी सी। ले इसने इसने ओए मिंट एक मिंट, ओए बोलने की जरूरत थी? अटका दिया ना फिर से। अच्छा ठीक है, गोली मैंने मारी सी, और बंदूक किसने फड़ाई सी? इसने इसने, इसने एक मिनट यार। ओए यार, मैं बोलने की जरूरत सी? ठीक है ठीक है, तेरू लत्ता मारने के चक्कर में तकम मार मार के कोने में कौन लगे सी पूछो। ले छोटे ये ओए एक मिनट 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 मिनट, ऐसे आंख निकाल के आगे बढ़ो, मैं भूल गया यार यार बोलने की क्या जरूरत थी। याद आया, अच्छा ठीक है, तक्का मैंने मारा सी, इनसे पूछो कि फाइनल लात किसने मारी थी। छोटे किसने मारी थी? लात किसने मारी थी? लात किसने मारी थी? लात दोनों ने मारी थी। जिंदा नहीं छोड़ूंगा छोटे इनको, पकड़ो इनको। पाजी बम 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 बम, मारो 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 मारो। पाजी हाँ जी, ए बम फेंका भी मारा भी, ए हवा में किधर चला गया? फटा क्यों नहीं पाजी? पाजी हाँ जी, ए कॉलर में तो नहीं घुस गया? ए पाजी नहीं नहीं, ओ पाजी ओ मैं फट जाऊंगा। ओए चेक कर यार, ओए कहीं तेरे, ओए ओए टूट मरी आले 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 आले। ओ दे ओ दे, पाजी मिल गया मिल गया पाजी, आजा फुटबॉल खेलते हैं, बहुत दिन हो गए फुटबॉल नहीं खेला पाजी। पाजी लेट्स प्ले, कम ऑन पाजी, कम ऑन, यस यस पाजी, किक मारो पाजी। पाजी मैं डेविड बेकम। नहीं पाजी, डेविड बेकम से मैं बनाऊंगा। नहीं पाजी, मैं बेकम हूं। चलो चलो मैं पाजी। क्या कर रहे हो वो लोग? बॉम्ब से खेल रहे हैं। डोंट प्ले अलोन। अच्छा पाजी ठीक है, तुसी डेविड बेकम ते ले, मैं जे है ना, मैं रोनाल्डो। रोनाल्डो ये लो ठीक पाजी। रोनाल्डो मैं पाजी, आप ही रोनाल्डो, आप ही डेविड बेकम हो, या चिट्टी है पाजी। भाई साले मिलके मारेंगे इनको, मारो 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 मारो, मारो, मारो। तारक सितारा ने आहो आहो दुश्मना नु मारा रे आओ। जाएंगे पाजी। हाँ जी, ये टैंक के अंदर घुस के हम लोग ने टैंक बंद तो कर दिया, लेकिन आपको टैंक चलाना आता है? टैंक बकवास करता है यार, मैंने साइकिल चलानी नहीं आती, तू टैंक की गल करता है? और पाजी नाराज क्यों हो रहे हो यार? मैं एक्साइटमेंट में बकवास कर रहा हूँ, मैंने बचपन में एक बार हाथ गाड़ी चलाई थी, लेट मी ट्राई अगेन। टैंक में है, निकालो वहां इनको। पाजी पाजी क्या हो रहा है? ये मिक्सिंग हो रही है पाजी। ये क्या हो रहा है यार? पाजी रेडियो स्टेशन कर गल सुनो, कुछ न्यूज मिलेगी। हेलो, मार डालो सालों को, दोनों को छोड़ो मत। ओए यार क्या हो रहा? ओए वो कह रहे हैं कि दोनों को छोड़ना नहीं। ओ पाजी पाजी पाजी, मुझे बहुत डर लग रहा है पाजी। ओ पाजी नंबर, ओ पाजी नंबर, ओ पाजी कभी मटका खेला है? बहुत खेला यार। ओ पाजी लकी नंबर लगाओ, तुसी मटकेगा। एक मिनट पाजी, पाजी कुछ हो गया, हम लोग अंदर बैठे हुए, तुम भी मेरे बात में कॉल कर रहे हैं। Oh,
पाजी आपको याद होगा कि माँ ने सिखाया है कि जब कोई चीज काम ना आए ना तो प्रार्थना काम आती है। You're right. Come on, let us pray. लो पाजी, ऊपर वाले ने हमारी सुन भी ली। पाजी, I think हमने इसे फुटबॉल खेला था ना? Let's play catch. Come on, पाजी। पाजी आपको याद होगा कि जब हमने इसको किक मारी थी, तो ये पाजी ये फाट भी गया था। Really? हाँ जी। ये वही है? हाँ। तू भर यार। आप पकड़ो। ओ फेंक दे। ओ फेंक दे उठे। उठे उठे। उठे फेंक दे। Okay. भाई यार क्या की है? पाजी, हाँ जी। ओ पाजी, ओ बाहर कुछ और आवाज निकाले? किस तरह? वो ऐसे कि टैंक का बटन दबाओ साला, कुछ तो फटेगा ही जरूर, फटेगा जरूर। अरे, ओ पाजी बाहर फिर कुछ बना? पाजी, पाजी। अरे कासम, कासम मैं गाड़ी को नहीं बैठा हूँ। कासम, कासम पाजी, ओ यार पाजी आप तो बोल रहे थे कि आपको साइकिल चलाने नहीं आती, ये टैंक किस तरह चला रहे हो? मैं क्या पाजी? हाँ जी। साइकिल नु बैलेंस करना पड़ता है, ये अपने आप बैलेंस हो जाती है। पाजी आई कुडंट अंडरस्टैंड, प्लीज ट्राई टू एक्सप्लेन। मैं क्या पाजी? आई डोंट नो। ओ पाजी आई नो यू डोंट नो बट स्टिल एक्सप्लेन। दिखाएंगे जलवे, देखेगा सारा जहां, हम तो हैं सबसे निराले, हम सा जुबा कहां, कोई हम सा न आया न आएगा अब तो दोबारा, मेरे यारा, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस और पाजी ये सब किधर गए? पाजी ये किसने किया? राम सिंह जी तो नहीं आ गए? आई डोंट नो। पाजी, हाँ जी। पाजी पाजी कोबरा ये ले। पाजी तू सी लो। ओए मेरा निशाना खराब है, तू मार ले। मेरा तो है ही नहीं। तो दोनों मारते हैं। ठीक है पाजी। पाजी गोली फिर पाँव पे लगी। ओ माय गॉड, फिर मेरे पैर में गोली मार दी। भाई मार कर दे, कब तक गोद में लेके घूमूंगा तुझे। भाई पैंथर, पैंथर को कोई बांध के नहीं रख सकता। पैंथर छोड़ूंगा नहीं तुम दोनों को। पाजी पैंथर भाग रहा है, इसका की करे? लेट हिम गो, ही इज वेरी हैप्पी। पाजी आई डोंट थिंक ही इज गोइंग टू बी हैप्पी लाइक दिस, बिकॉज़ राम सिंह इज गोइंग टू ब्रेक हिज बोन्स। उस दिन की तरह आज शर्त नहीं लगाएगा, 15 फटके वाली।
आज सिर्फ एक फटका, एक पैंथर को। मैं क्या तारे पाजी? बोल सितारे पाजी। तारे ते सितारे दा मतबल की है? एक्सप्लेन यार। पाजी तुम्हें पता है मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। स्टिल आई विल ट्राई। पाजी मैंने लगता है कि तारे और सितारे दा मतलब है कि जो खुद तो रात के अंधेरे में रहते हैं लेकिन सारी दुनिया को अपनी रोशनी से चमका देते हैं। ओए बल्ले बल्ले यार, पहली बार तू बिना अटके तूने एक्सप्लेन किया यार। पाजी पहली बारी बिना भटके हमने कोई अच्छा काम ही तो किया है। लेकिन पाजी एक बात है ना, मेरे दिल में सुई की तरह चुभ रही है। की है यार? यार ये राम सिंह की फैमिली ने झूठे मुंह हम लोगों को रोका भी नहीं पाजी। बिना बताए जा रहे हो? तो बताते तो क्या, रोक लेते? नहीं, गाड़ी से स्टेशन तक छुड़वा देते। गड्डी जी कोई लोड नहीं, वी गॉट लेग्स एंड वी कैन वॉक आल्सो। लिफ्ट दे रहे हैं बड़े। मैंने तुम दोनों के लिए घोड़ियों का बंदोबस्त किया। ओए होल्ड यार, ओए क्लीन बोल्ड यार। हुस्न की लौ में जल जाते हैं, मोम के जैसे पिघल जाते हैं, हम चल जाते हैं, गिरते हैं फिर संभल जाते हैं। कोई हमसा ना हमसा, कोई हमसा ना हमसा, दिलदारा मेरे यारा, एक और एक यारा। तारा और सितारा को ये पहली बार एहसास हुआ कि पारस को छूकर पत्थर भी सोना बन सकता है। एक और एक की शक्ति जब इंसानियत और देश के काम आई तो उन्हें घर मिल गए, बीवियां मिल गईं और एक अच्छी जिंदगी मिल गई। पर अंदर की हरकत, बंदर की घुलाट और पुरानी आदतें बदली या नहीं, इसकी गारंटी तो वो खुद भी नहीं दे सके। सहते नहीं।